topic of the day, which is the case study of Elon Musk. So सबसे पहले अपन बात करें कि भाई अपन अच्छा कैसे करेंगे, अपन धीरे धीरे अपन इसकी लाइफ की जर्नी लेते जाएंगे और जर्नी से अपन को क्या सीखने को मिलता है वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि मैंने क्या सीखा, और मैं आपसे भी पूछता जाऊंगा कि आपको क्या लगता है कि आपने इससे क्या सीखा, ठीक है। अर्ली लाइफ, ये साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुआ था 1971 में, लेकिन इसके बचपन में जैसा अमेरिका में इट्स वेरी कॉमन पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड एंड ही वाज स्टार्टेड लिविंग हिज फादर, तो अपने पिताजी के साथ ये रहने लग गया। बट वही है कि जब स्कूल में ये बुलीड होता था काफी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में इस तरह का है बंदा, तो जब ये स्कूल में जाता था तो ये इंट्रोवर्ट सा था, गुपचुप था, कम बोलता था, बातचीत नहीं करता था, तो बाकी बच्चे लोग छेड़ते थे, मजाक मजे लेते थे। इनफैक्ट बिकॉज इसको इतना मारा था कि इसको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ गया था। अब जब ऐसे बच्चे की हालत हो कि भाई माँ साथ में रहती नहीं है, पिताजी बिजनेस में बिजी हैं, अकेला बंदा है, स्कूल में बच्चे परेशान करते हैं, तो क्या करे। तो स्कूल से धीरे धीरे इसका मन तो ऑफ होने लग गया, बोले घर पे ही रहते हैं, और घर पे रहकर क्या किया इसने, इसने कहा अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, एक किताब पढ़ते, दूसरी किताब पढ़ते, पांचवी पढ़ते, जत पढ़ते हैं। इसने 8 से 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी कि आपने अभी तक टोटल जिंदगी में इतनी नहीं पढ़ी होगी, दैट इज गारंटीड। क्योंकि अब वो कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जर्नी, की घर पे बैठे क्या करें, अब स्कूल में तो भैया बुली करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, माँ घर पे है नहीं, पिताजी ऑफिस में, मैं क्या करूं। तो घर बैठे बैठे बुक्स 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 पढ़ते पढ़ते शायद इसने उस समय इतनी बुक्स पढ़ी होगी जो नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। 8-10 साल की उम्र में इसने खुद को 9 साल की उम्र में कोडिंग सीख ली थी, किताब देख के, किताब से कोडिंग सीख ली कि भी अच्छा ऐसे ऐसे कोड होता है, 9 साल की उम्र में खुद ने खुद को कोडिंग सिखा दी थी, ठीक है। और कोडिंग सीखने के बाद जो उसकी फर्स्ट इनकम कहते हैं ना भाई, मतलब कि बड़े लोगों के पूत के पग पालने में दिख जाते हैं भैया ये इतना बड़ा करने वाला है, क्योंकि इसकी पहली इनकम जो आई थी, अगर आपको वॉरेन बफे के बारे में बताओ तो वॉरेन बफे कहते हैं कि मैंने मेरा जीवन का पहला इन्वेस्टमेंट 12 साल की उम्र में किया था और उसमें हुई देरी के लिए मुझे आज भी अफसोस है। मतलब वॉरेन बफे कहते हैं 12 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट चालू किया था और मुझे ऐसा लगता है इतना लेट क्यों किया। तो सेम 12 साल की उम्र में ये अपना पहली चीज बना के बेच चुके थे। ये रोडस्टर गेम है, अगर आपको बचपन में याद हो, अपन छोटे से थे, नीचे स्पेसशिप है, ऊपर से कुछ गिर रहा है, उसको गोली मारनी है, इस तरह का एक गेम बनाया था स्पेसशिप का इन्होंने ब्लास्टर करके। घर बैठे बैठे 12 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कोडिंग सीख ली, किताब पढ़ ली, बोर हो गए तो कोड करने लग गए, कोड करते करते खुद का गेम बना दिया और उस गेम को $500 में 12 साल की उम्र में इन्होंने कंपनी को बेच दिया था। लेकिन कहते ना 12 साल की उम्र में, आज की डेट में 12 साल का बच्चा आपको आके कहे लो पापा ₹35,000, मैंने क्या केवल बेटा कैसे, बोले मैंने गेम बनाया था पापा बेच दिया। आप बोलोगे यार ये आज भी बड़ी बात लगती है, इसने कब किया 83 में, अब कह दो आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है, आज से 37 साल पहले गेम बनाया, खुद ने कोडिंग सीखी, खरीदा और बेच दिया, बनाया और बेच दिया। इससे अपन को क्या लाइव लेसन मिलते हैं, सबसे पहला जो मेरा लेसन है जो मैंने सीखा, मैं आपसे भी बीच बीच में पूछता रहूंगा आपको क्या सीखने को मिला। पहली बात, एज जस्ट अ नंबर, अपन कहते ना यार ये बहुत छोटा है यार, अभी तेरे बस की नहीं है, या अरे यार अब तो उम्र ही निकल गई यार, अब क्या करेगा यार, अब तो उम्र निकल गई। तो सर मैं कह रहा हूं, आपको अगर कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने का जोश है, तो 12 साल की उम्र आपके लिए कोई छोटी उम्र नहीं है, और करना है तो 60 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जब अपन रिटायरमेंट के मोड पे आते हैं तब उन्होंने बिजनेस चालू किया था, और कई लोग होते हैं जब हम कहते हैं भी तो बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है, कईयों ने वहां बिजनेस चालू कर दिया था। बिल गेट्स का, स्टीव जॉब्स, जितने भी बड़े लोगों का नाम ले रहे हो ना, ये सब 20 साल से नीचे नीचे किसी न किसी तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके थे। तो हमको लगता है ना अभी तो बहुत जल्दी है, आराम से कर लेंगे, आराम से, तो आराम आराम नहीं है, आपको जब जागो तब सवेरा, और कोई एज बड़ी नहीं है, कोई एज छोटी नहीं है, आप यू जस्ट स्टार्ट योर वर्क, अगर माइंड में आइडिया आया है तो उसको करना है। सेकंड, ऑलवेज ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ सिचुएशन, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप सर खुद सोचो एक बार अपन मानसिक रूप से उसकी स्थिति में पहुंचते हैं, छोटे एलन मस्क की स्थिति में पहुंचते हैं कि उस बच्चे का क्या सीन था, उस बच्चे की माँ घर पे नहीं है, पिताजी भैया ऑफिस में, स्कूल में भैया उसकी पिटाई होती है। अब मुझे बताओ एक बच्चा घर में ऐसा बैठा है, हम कहते हैं हमको दया दिया, रे रे रे, अरे बेचारे बच्चे के साथ क्या हुआ, अरे इसके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। वो बच्चा भी अपने बारे में यही सोच सकता था कि देखो ये दुनिया कितनी खराब है,
ये मेरी माँ कितनी गंदी है मुझे छोड़ के चली गई, मेरे पिताजी कैसे बेकार है मुझे समय नहीं देते, ये दुनिया कितनी बेकार है मुझे परेशान कर रही है, अरे मैं तो हालतों को मारा हूं, मैं 8 साल का बच्चा गरीब लाचार मैं क्या करूं। उस सिचुएशन पे जब सिचुएशन बुरी होती है, उस बुरी सिचुएशन में से अच्छा निकालने वाला ही नंबर वन बनता है। तो आपके जीवन में कैसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो सर, वहां एक आशा की किरण है, वहां एक उम्मीद की किरण है, आप अफर्ट कर सकते हो, आप बेस्ट कर सकते हो, आप वहां से निकल सकते हो। और आप इनफैक्ट अगर ये देखो कि अगर 12 साल की उम्र में इसके साथ ऐसा नहीं होता, इसका परफेक्ट चाइल्डहुड होता कि ठीक है मम्मी भी है पापा भी है स्कूल में भी बच्चे मस्त है, तो वो जैसे बच्चे खेलते हैं खेलते खेलते कहते ना लुका छुपी खेलते खेलते इसका जीवन निकल जाता, वही कॉलेज और वही कहीं नौकरी कर रहा होता। तो कई बार अपन कहते हैं ना यार बहुत बुरा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपको बुरी सिचुएशन में से अच्छी चीजें निकालनी आनी चाहिए। ये मेरा लाइफ लेसन था। आपको अगर लगता है कि यार इस स्टोरी से अभी तक आपको क्या सीखने को मिला, वो चैट बॉक्स में डाल के एक बार मुझे बताना कि क्या लगा आपको, कि आपको क्या सीखने को मिला इस अभी इस स्टोरी में यहां तक। बट आई होप स्टार्ट इसका आगाज अच्छा है तो अभी तो और मजा आएगा। अभी तो एलन मस्क कितने साल का हुआ है, 12 साल का हुआ है, अभी तो 50 साल तक आना है अभी, तो इसने 8 कंपनियां बनाई थी, अभी तो मैंने पहली की भी चर्चा नहीं की। ठीक है, सो एक्साइटेड आगे बढ़े। तो सबसे पहले अच्छा लाइफ लेसन नंबर 3, किसी बंदे ने इसको ट्वीट किया कि किसी इसको नहीं किसी को भी ट्वीट किया, जनरल ट्वीट था कि आप जिंदगी में डिग्री के बिना सक्सीड नहीं हो सकते। अगर तुमको हार्वर्ड जाना है ना भाई साहब, हार्वर्ड जाना है तो आपको डिग्री चाहिए। तो देन इसने एलन मस्क ने इसका रिप्लाई दिया कि भैया ये सही बात नहीं है, स्कूलिंग और एजुकेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं, स्कूलिंग और एजुकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। बोले मैं कभी हार्वर्ड नहीं गया लेकिन आज हार्वर्ड जाने वाले मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये एलन मस्क ने ट्वीट करके उसको बताया था कि तू ये मत सोचना कि एजुकेशन और स्कूलिंग एक ही बात है, हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज हो और वो स्कूल की शक्ल ही ना देखी हो सकता है वो स्कूल में गोल्ड मेडल लेके बैठा हो और उसको दुनिया का कुछ पता ही ना हो। डन। तो इसने कहा था स्कूलिंग और एजुकेशन दो अलग अलग चीज है। हम कहते हैं अरे यार जीवन में आगे, यार काश हम भी है ना उस स्कूल में होते ना तो हम भी कुछ और ही होते। अरे मेरा अगर IIT में हो जाता ना मैं कुछ और ही होता, पर मैं IIM में हो जाता तो कुछ और ही होता। सर एजुकेशन अलग चीज है, स्कूलिंग अलग चीज है। ये बंदा कहता है भैया कॉलेज की जरूरत नहीं है, वो जो 4 साल में सिखाते हैं आप किताब और इंटरनेट की माध्यम से 4 महीने में सीख लो ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो। इसके अकॉर्डिंग कॉलेज इज अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज इज वेस्ट ऑफ मनी, पर मेरे कहने का मतलब है कॉलेज के होने या नहीं होने से आपके जीवन के सक्सेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद भी सेल्फ सफिशियंट है, आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज लाइफ लेसन नंबर 3। अच्छा मैं देख रहा था कि अभी कुछ लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं, तो एजुकेशन सॉफ्ट ने कहा कि समय कभी भी गलत नहीं होता, हमारा नजरिया ठीक होना चाहिए। ग्रेट, ये लर्निंग है, थैंक यू सर, ग्रेट लर्निंग। एम मुकेश जी की लर्निंग है कि टफ सिचुएशन कम्स टू मेक स्ट्रांग फ्यूचर, जिंदगी में जब टफ सिचुएशन आती है तो एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करती है। ग्रेट सर। अब इनकी एजुकेशन पे आते हैं साहब, इन्होंने अब एजुकेशन खुद ने कितनी करी थी। पहली बात, ये 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका थे, वहां से कनाडा चले गए थे, वहां की क्वींस यूनिवर्सिटी को अटेंड किया। 2 साल के बाद ये चले गए भैया पेंसिल्वेनिया अमेरिका चले गए। उसके बाद वहां जब डिग्री इनकी खत्म हुई थी तो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों में कंबाइंड डिग्री ली थी इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ल्ड का नंबर वन जिसको कहते हैं ना कि फिजिक्स की अगर बात आ रही है, अगर आपको फिजिक्स में कुछ करना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ करना है, भैया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका मक्का है, ये आपका तीरथ है। कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने फिजिक्स में किया है, मतलब भाई साहब कुछ किया है, मतलब बहुत सारे नोबेल पुरस्कार वाले स्टैनफोर्ड ने दिए हैं, वहां जाना ही बहुत बड़ी बात है, वहां की डिग्री ही बहुत बड़ी बात है। बंदे ने वहां पे PhD चालू की और कुछ समय बाद छोड़ दी। एनी गैसेस कितने समय बाद छोड़ दी होगी? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की जिसके लिए दुनिया मर रही है, लाखों एप्लीकेशन आती है, हजारों लोगों का इंटरव्यू होता है, कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं। उसमें सिलेक्ट होने के बाद इसने क्या बोला कि यार 2 दिन के अंदर, आज एडमिशन लिया, 2 दिन के अंदर अंदर इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। ये बोला कि भैया देखो ऐसा है, अभी बात ऐसी चल रही है कि इंटरनेट का चल रहा है बूम, अभी आसपास इंटरनेट का बूम चल रहा है, इंटरनेट कंपनियां भाग रही है, मैं कहा 3 साल किताबों में घुसा रहूंगा, अभी मेरे को मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है। जस्ट थिंक अबाउट दैट।
इसने क्या बोला, मार्केट में भैया अभी धूमधाम मची हुई है, इंटरनेट कंपनियां कर रही है, कहां 3 साल किताबों में दिमाग लगाएंगे, फिर निकल के भी करना तो यही है, तो अभी तो मौका अच्छा है, कूद पड़ो। और ये उस मौके पे कूद गया। इससे लाइफ लेसन नंबर 4 क्या मेरा है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को देखते तो रहो क्या चल रहा है, कहीं पता चले कि आप किसी ऐसी चीज में व्यस्त थे कि अपॉर्चुनिटी आपके बगल से निकल गई, आपको पता ही नहीं पड़ा। ये आसपास दिमाग खुला हुआ था, इसने कहा भैया यहाँ पे फिजिक्स सीखी है मैंने, इकोनॉमिक्स सीखी है, 2-3 साल स्टैनफोर्ड में और दूंगा, उसके बाद निकल के क्या करूंगा, कुछ स्टार्टअप प्लान करूंगा, उस समय जाने सिचुएशन कैसी होगी। अभी तो भैया जो स्टार्टअप खुल रहा है उसी को फंडिंग हो रही है, अभी तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है मामला, अपन एक काम करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, बाद में होगा स्टैनफोर्ड, अपन तो अपना काम कर दे। ही लेफ्ट द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन द वर्ल्ड ऑफ हिज फील्ड और छोड़ के भैया खुद की कंपनी चालू कर दी। तो क्या ना, कभी कभार जिंदगी में रिस्क भी लेना चाहिए और आसपास की सराउंडिंग को देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कभी नहीं जाने देनी चाहिए। और इस लेसन से स्टैनफोर्ड 2 दिन बाद छोड़ के अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने से आपको क्या सीखने को मिलता है वो भी चैट बॉक्स में मुझे बताना। तो मैं बीच बीच में आपके कमेंट पढ़ के बताता रहूंगा बाकी व्यूअर्स को कि भैया और क्या क्या लर्निंग है, क्योंकि ये मेरी लर्निंग है, हो सकता है आपकी लर्निंग इससे कहीं डिफरेंट हो। अब बिजनेस एम्पायर भाई साहब इनका क्या रहा, इसने 9 कंपनियां फाउंड हुई है टोटल एलन मस्क की। एक थी Zip2x.com जो कि बाद में बनी पेपाल, इसकी SpaceX कंपनी है, टेस्ला है, सोलर सिटी है, द बोरिंग कंपनी है, हाइपरलूप है, न्यूरालिंक है और ओपन एआई है। इन सब के बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ आपको इतना आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या करती है, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे खत्म हुई। ठीक है, तो लेट्स मूव। पहली कंपनी जब इसने चालू की थी, अपनी फर्स्ट कंपनी जो स्टैनफोर्ड छोड़ के इसने चालू की थी इन 1995 में, ये था इसका भाई था, एक दोस्त था, कंपनी का नाम था Zip2। तो Zip2 क्या करती थी भाई साहब, Zip2 करती थी कि जो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भैया आपको सिटी के मैप, डायरेक्ट्री, टेलीफोन डायरेक्ट्री, येलो पेजेस, तो ये येलो पेजेस जो होते हैं अपने, वो येलो पेजेस ऑनलाइन डेवलप करती थी, ये गाइड सिटी की गाइड डेवलप करती थी, मैप डेवलप करती थी, किसके लिए, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग एजेंसी के लिए, ताकि तुमको कोई जरूरत हो तो ये उनके लिए डेवलप करती थी। और ये जब जिस दौरान की ये फोटो है आप देखो, उस दौरान ये कहता है कि जब हमारे पास जो ऑफिस था वो हमने किराए पे ऑफिस लेके चालू किया था, वो छोटा सा ऑफिस था, घर भर का कोई सतूना नहीं था, तो हमने ऐसे किया कि दिन भर ऑफिस में सोते थे, क्योंकि ऑफिस में ही सोना होता, क्योंकि कंप्यूटर एक ही था, सिर्फ एक ही कंप्यूटर है, तो एक ही कंप्यूटर है तो एक ही आदमी कोडिंग कर सकता है, और वो भी उसमें जो प्रॉपरली जो नेट है उसको सुविधा है वो रात को ही चल पाती थी। तो दिन भर बैठ के बोले, दिन भर हम सोते थे, दूसरा काम करते थे, ऑफिस में ही काउच लगा के सोते थे, ये जो आसपास कहीं कम्युनिटी सेंटर होते हैं वहीं पे नहा के आ गए, वहीं पे खा के आ गए, ऑफिस को ही उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया था, दिन भर वहीं रहते थे, रात को कोड करता था। और ही सेड कि उस दौरान 2-3 साल कंटिन्यूअस मैंने 7 दिन रात रात भर कोड किया है विदाउट अ ब्रेक। और ये मैंने कॉमन चीज नोटिस की है, बिकॉज अब मैं बहुत सारी केस स्टडियां कर चुका हूं, आपको करवा चुका हूं, जैसे बिल गेट्स का एग्जांपल था, स्टीव जॉब्स का था, दे डोंट बिलीव इन टेकिंग वेकेशन। हम कहते हैं ना, वीकेंड कब आएगा, वीकेंड कब आएगा, संडे आ गया, सैटरडे आ गया, भैया 6 दिन तो परेशान हो गए, अब संडे को रिलैक्स करेंगे। ये कहते भैया रिलैक्स क्या होता है, रिलैक्स वो क्या होता है, ही कोडेड 7 डे इन अ वीक विदाउट अ ब्रेक फॉर मेनी ईयर्स। भैया बस कोड ही लिखता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, एंड इसकी मेहनत जाके फिर सफल हुई थी 1999 में। अब सोचो 99 में इसको कंपनी ने खरीदा, 95 ने बनाई थी, 4 साल का स्ट्रगल, 4 साल वही छोटा सा ऑफिस है, वही रात को कोडिंग करनी है, वही लिखना है, दिन में कहीं जाना है, पता नहीं क्या होगा। और इस चीज के लिए क्या छोड़ा, स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ के किराए का ऑफिस लेके वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, रात रात जग के बिना ब्रेक के कोडिंग कर रहे हैं। इतना स्ट्रगल किया है इसने, एट द ये 24 साल की उम्र के आसपास का सीन है इसका। एंड नाउ यू सी, जो पहली कंपनी जो थी 1999 कॉम्पैक ने खरीदी $307 मिलियन में, ठीक है, उसमें इसका शेयर था 7%, तो इसको मिले 22 मिलियन। 22 मिलियन क्या होता है और उस समय की स्थिति क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। 22 मिलियन आज का भाव से अपन लगाते हैं, डॉलर का जो रेट है 75, तो 22 मिलियन वाज इक्वल टू 165 करोड़। तो एक बच्चा जिसने स्टैनफोर्ड छोड़ा
बच्चा था, पढ़ने की उम्र थी, स्टैनफोर्ड गया, छोड़ दिया, कंपनी चालू की, 4 साल स्ट्रगल किया, 28 साल की उम्र में कहा भैया 165 करोड़ ले ले। अब आज की रेट में अपन जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं, इसमें से मैं कहता हूं 165 करोड़ के अगर 65 करोड़ भी मैं आपको ला के दे देता हूं कि भाई साहब ये 65 करोड़ पड़े, अब क्या करोगे? बोले सर मजे, 65 करोड़ दे दिए सर आपने, 65 करोड़ की तो मैं FD भी करा दूंगा तो ब्याज आ जाएगा 50 लाख महीने का, और क्या चाहिए? 65 करोड़ की FD भी करा देता हूं ना तो ब्याज आ जाएगा 50 लाख महीने का, तो अपने को क्या टेंशन है? 65 करोड़ तो पड़े ही हैं भैया, अपना जीवन भी निकल गया, बेटे का भी निकल गया, पोते, मतलब जहां तक मुझे मेरी पीढ़ी दिख रही है वहां तक की तो फ्री हो गई। करौल जी अब माथा फोड़ी नहीं, अब टेंशन नहीं, अब काम। ये हम 65 करोड़ में सोच ले, ये कह रहा है 165 करोड़ आ गए इसके पास। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं था कि बहुत मेच्योरिटी में आ गए कि भैया आप पूरी दुनियादारी समझता था, 28 साल की उम्र में जब हम सोचते हैं ना कि भैया बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वेगस घूमे, यहां घूमे, उस समय की उम्र में 165 करोड़। व्हाट ही डिड? बोले कुछ नहीं, सेकंड कंपनी। रुकना थोड़ी भाई साहब, रुक जाता तो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन थोड़ी बनता, जो रुक जाता है वही गेम खत्म हो जाता है। सेकंड कंपनी इसने बनाई, इसने कंपनी पहले बनाई थी, उसका नाम रखा था X.com, और ये जो इसके 22 मिलियन आए थे, 165 करोड़ आए थे, इसी में से 75 करोड़ निकाल के कंपनी डाली X.com, वो फाइनेंशियल सर्विस और ऑनलाइन पेमेंट करती थी। फिर बाद में जो उसका दूसरा भाई दिख रहा है आपको फोटो में, ये कॉन्फिनिटी करके कंपनी मर्ज हुई, तो ये दोनों कंपनियां मर्ज होके इन्होंने सर्विस चालू की पेपाल, और फिर पेपाल इन्होंने 2001 में चालू की थी। पेपाल आज भी बहुत बड़ा नाम है, आप लोग पेमेंट गेटवे में यूज करते ही होंगे। इस कंपनी का क्या हुआ भाई साहब, इस कंपनी से अक्टूबर 2000 में इसको निकाल भी दिया गया था। इस पेपाल में क्या हुआ कि ये था CEO, भैया ये काम करने, एक CTO था जो टेक्नोलॉजी ऑफिसर था, ये बोलता कि टेक्नोलॉजी ऑफिसर बोला कि पेपाल का जो प्लेटफॉर्म है वो लाइनक्स पे है और बढ़िया चल रहा है जी। एलन मस्क बोला लाइनक्स पे मजा नहीं आएगा, इसको लाइनक्स से हटा के माइक्रोसॉफ्ट पे ले आओ, और इनके बीच में कुछ न कुछ चलता रह रहा था। तो ये कहीं जब गया हुआ था बाहर, तो इसकी टीम ने पूरा फेथ में लिया और कहा भैया ये एलन मस्क आदमी ठीक नहीं है, इसको तो हटा, इन द सेंस पोजीशन से हटा दिया था इसको CEO की। कंपनी में अभी भी है, कंपनी में है, शेयर भी है, बट कोई काम नहीं है। बोले बस तू उस कंपनी का ओनर था, तो ओनर तो था ही, लेकिन कोई काम धाम नहीं है, तो छुटमुट कुछ भी करता रहे, मेन डिसीजन मेकिंग सब हमारे हाथ में, कोई बात नहीं साहब होने दो। 2002 में इस कंपनी को eBay ने खरीद लिया $1.5 बिलियन में, और इसमें अब एलन मस्क का शेयर था, अब 165 मिलियन शेयर था। इसको अपन वापस कन्वर्ट करें तो सर कितना हो गया, 1237 करोड़। अब 31 साल की उम्र में, अब तो रिटायर हो जाओ भाई साहब, भाई आपको 165 कम लग रहे होंगे यार, 165 करोड़ में क्या होता है? ठीक है भाई साहब, आपने 165 करोड़ रुपए से लेके एक कंपनी चालू कर दी, और 3 साल में वो 165 करोड़ रुपए 1237 करोड़ रुपए हो गए भैया, अब तो रिटायर हो जा। अब तो 237 करोड़ में ऐसी कौन सी लग्जरी है जो जीवन में नहीं आती? तू सब कुछ खरीद ले 237 करोड़ में, तू प्लेन खरीद ले, यार्ड खरीद ले, फरारी खरीद ले, बंगला खरीद ले, सब कुछ कर ले, और फिर भी 1000 करोड़ रख के बैठ जाओगे तो भी अच्छा खासा ब्याज आएगा। ये कह रहा नहीं भैया तब भी नहीं रुकना है। तो लाइफ लेसन यहां से क्या निकल के आता है, नेवर एवर बी सेटिस्फाइड। बिजनेस में सेटिस्फेक्शन का मतलब है डेथ, जहां आपने कह दिया बस बहुत है वही मृत्यु, बिजनेस की तो वही मृत्यु है। पर्सनल लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया वर्च्यू है, भैया कहते ना संतोषी सदा सुखी, संतोष परम धन है, आप अगर सेटिस्फाइड हो तो भैया जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं। सही बात है सर, जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, आप 1 लाख कमा के भी सेटिस्फाई हो सकते हो और एक बढ़िया शानदार खुशनुमा जीवन जियोगे। लेकिन बिजनेस में अगर आप 1 लाख पे सेटिस्फाई हो गए तो आपने बिजनेस का तो वहीं गला घोट दिया, बिजनेस तो वहीं खत्म है। तो बी सेटिस्फाइड इन लाइफ बट नॉट इन बिजनेस, ठीक है। और इसको लेके किसी की क्या लर्निंग है कि ये जो सेशन था कि भैया उसने स्टैनफोर्ड छोड़ के कंपनी बनाई, 4 साल स्ट्रगल करके 165 करोड़, रिटायर नहीं हुआ, दूसरी कंपनी 1237 करोड़, फिर भी नहीं छोड़ा, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? चैट बॉक्स में बताओ एक बार, आपको क्या लगता है कि भैया क्या क्या इसमें जो चीजें हैं, आपको इससे क्या सीखने को मिला अभी तक? सर 9 कंपनियां थी, अभी कंपनी नंबर 1 डिस्कस हुई है, सॉरी कंपनी नंबर 2 डिस्कस हुई, 2 कंपनियां डिस्कस हो गई। अब उस कंपनी की बात होने वाली है जिस कंपनी की वजह से यह वर्ल्ड में फेमस है, टेस्ला और स्पेसएक्स। अब आएगी टेस्ला और स्पेसएक्स, अभी तक की लर्निंग आपको क्या रही एक बार चैट बॉक्स में बताना। आई एम जस्ट लुकिंग एट कि अभी तक की जर्नी से क्या सीखा।
वेटिंग फॉर द चैट बॉक्स, क्या है चैट बॉक्स में। अच्छा थोड़ा 10 सेकंड का एक्चुअली डिले है, तो जो आप कह रहे हैं मैं शायद अभी देख नहीं पाऊंगा, मेरी बात आप तक 10 सेकंड बाद पहुंचे। चलो तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट अबाउट द थर्ड कंपनी। अब क्या होता है सर, 31 साल की उम्र थी, 1237 करोड़ रुपए आ चुके थे। माय एजुकेशन नेवर स्टॉप, ग्रेट सर। 1237 करोड़ रुपए पड़े हैं भाई साहब, उम्र मात्र 31 साल है। लेकिन जो होते हैं ना, कई लोग ऐसे पैदा होते हैं कि कुछ और ही करने के लिए पैदा हुए हैं, वो नॉर्मल लग्जरी जीने के लिए या जीवन के लिए पैदा नहीं हुए, वो कुछ और ही करने के लिए पैदा हुए हैं। तो इसने कहा कि भैया बात ऐसी है कि जो डायनासोर थे, डायनासोर कैसे धरती से नष्ट हुए, एक मीटियोर गिरा, एक उल्कापिंड गिरा और सारे डायनासोर नष्ट हो गए भाई साहब। तो कल को ऐसा उल्कापिंड अगर 100 साल बाद धरती पे गिर गया तो पूरी तो मानव प्रजाति भाई भाई साहब नष्ट हो जाएगी। कल को अगर पानी नहीं बचा धरती पे तो क्या करेंगे, कल को सारी हवा प्रदूषित हो गई तो क्या करेंगे, कल को सारे पेड़ ही वेड़ी कट गए तो क्या करेंगे। तो ही बिकेम, तो इसने कहा कि भैया अगर मनुष्य जीवन या मानव जीवन को बचना है या जीवन में आगे बढ़ते रहना है, हम सोचते हैं मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बेटे का होगा, पोते का क्या होगा। ये कह रहा है समस्त मनुष्य प्रजाति का क्या होगा, ये भी बात नहीं कह रहा कि मेरी सिटी का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे अमेरिका का क्या होगा। ये कह रहा है संपूर्ण विश्व प्रजाति का, मानव प्रजाति का क्या होगा अगर कुछ ऐसा हो गया। तो इसने कहा भैया पूरी मानव प्रजाति तभी बच पाएगी जब ये मल्टी प्लेनेटरी स्पेशीज बन जाए। इसका मतलब हमारी मानव प्रजाति ऐसी हो जाए जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट पे भी जी सके, कि भैया इस प्लेनेट पे भी है, मंगल पे भी रह सकती है, एक से ज्यादा ग्रहों पे हम अगर रहने लायक हो गए तो हम जी जाएंगे। अब क्या होता है 31 साल की उम्र में आपको विजन आ जा रहा है, आपके 1237 करोड़ पड़े हैं, तो आप बोलोगे भैया ट्राई तो करना चाहिए इस विजन, ठीक है। तो इसने पहली चीज सोची कि 2001 में कहा कि भैया अपन मार्स को, मंगल ग्रह को चुनते हैं, अपन मंगल पे कॉलोनी बनाएंगे भाई साहब, ठीक है। मैं कुछ कमेंट्स है मैं एक बार बीच में पहले पढ़ लेता हूँ। माय एजुकेशन सॉफ्ट जी जो थे, इनका जो एक लर्निंग थी अब तक की से, वो थी नेवर स्टॉप। एम मुकेश जी कह रहे फाइट आर फिगर्स आर जस्ट अ स्टॉपेज इन बिजनेस, ठीक है। ये नंबर आते ही रहते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, इनसे रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहो। टू कीप इन्वेस्टिंग इन योर ड्रीम वेंचर्स, पंकज अग्रवाल जी कहते हैं। भारत जी कहते हैं खेल की तरह खेल रहे थे, खेल की तरह ही खेलना चाहिए, ओके। हीरा लाल जी कहते हैं टू इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, इनोवेटिव रहो क्रिएटिव रहो। किशन ग्लासन फर्नीचर जी कह रहे हैं कि बिजनेस में थकना मना है, ग्रेट। तो 2001 में मस्क ने आइडिया डेवलप किया कि भैया मार्स पे कॉलोनी बनाई जाएगी। तो मार्स पे कॉलोनी बनाएगी तो सबसे पहले क्या करें, इसने कहा एक बार ना पेड़ पौधे बेच के देखते हैं, तो एक ग्रीन हाउस बनाएंगे और पेड़ पौधे बेच के देखते हैं, अगर पेड़ पौधे पनप गए तो फिर हमारा भी थोड़ा बहुत तो चांस बनता है। उसने कहा भैया पेड़ पौधे भी भेजूं तो कैसे भेजूं, तो बोले एक काम करते हैं, कोई मिसाइल विसाइल जो आती है, ये सेकेंड हैंड मिसाइल्स भी आती है जिसको कहते हैं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलास्टिक मिसाइल आती है जो जो यहाँ से एक ग्रह से दूसरे ग्रह में सामान भेजने में काम आती थी। तो इसने रशिया गया, रशिया इस चीज़ों में नंबर वन था, कि रशिया के पास गया कि भैया एक बार वो दोगे क्या आपके ICBM इंटरकॉन्टिनेंट बैलास्टिक मिसाइल। अब सर आप बताओ कि ये जो मिसाइल देने वाले लोग हैं ये डील किन से करते हैं, गवर्नमेंट से, वो रशियन गवर्नमेंट से डील कर रहा है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट से डील कर रहा है, वो बड़े बड़े अधिकारियों से डील करता है, और उसके सामने एक जीन्स टी शर्ट में 31 साल का आदमी आके बैठ गया कि भाई साहब मिसाइल दोगे क्या। वो लगा यार ये मजाक कर रहा है, ये अभी नया नया बच्चा है, 31 साल इसकी उम्र है, खिलने खालने की उम्र है, मिसाइल खरीदने आ गया। तो ये तो होता है ना कि भाई शौक के लिए खरीद रहा होगा, दिखावे के लिए खरीद रहा होगा, खरीद के कहीं सजा देगा, पता नहीं इसके बस की भी है कि नहीं है। तो दो चार बार बात कुछ इस तरह से हुई, बोले नहीं बेटा रहने दे, तेरे बस की नहीं है। तो इसको खाली हाथ ही आना पड़ा पहली बार। दूसरी बार ये पूरा करना कि दूसरे ग्रुप के साथ गया और थोड़ी पहले से जानकारी करके सेटअप करके, अब की बार लोगों को लगा नहीं भाई साहब इतना मजाक भी नहीं कर रहा, ये सीरियसली ही लेने के मूड में है। तो रशियन ने कहा भाई ठीक है बेच देंगे, एक है भैया आठ मिलियन डॉलर, इन्हें आज के भाव से अपन लगाए तो लगभग 60 करोड़ के आसपास की। तो बोले 60 करोड़ की एक मिसाइल है, 3 मिसाइल लेने आए हो आप, 180 करोड़ रुपए दे दो और ले जाओ साहब। मस्क ने कहा यार 180 करोड़ 3 मिसाइल के, 60 करोड़ तो भैया बहुत ज्यादा है, मैं तो ले भी सेकंड हैंड रहा हूं, मैं कौन सी नहीं ले रहा हूं, मैं तो वो दे रहा हूं जो रिफर्बिश्ड हो, मुझे रिफर्बिश्ड चाहिए थी, ओरिजिनल तो चाहिए ही नहीं थी। इसने कहा कोई बात नहीं भाई साहब आप अपनी मिसाइल अपने पास रख लो, हम घर में खुद ही बना लेंगे। कहते ना कि भैया आप खुद ही रख लो ये तो हम ही बना लेंगे।
इसने कहा ठीक है भैया अब हम बनाते हैं। ये आया अब इसने कहा भैया ऐसा करते हैं कि अपन खुद की कंपनी खुद ही बना। अब मेरे को अगर रॉकेट बनाना है खुद की खुशी के लिए, मेरे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए कि क्या वहां जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो एक काम करते हैं खुद की कंपनी खुद ही बना लेते हैं। तो देन इसने इसने बाद इसने बनाई थी स्पेसएक्स। अब मुझे बताओ कि एक व्यक्ति आपके पास आता है, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, एक व्यक्ति आपके पास आता है 32-33 साल की उम्र है, कहता है भाई साहब मुझे ना एक कंपनी बना रहा हूं, हाँ जी उसमें क्या करूंगा सर, मैं उस कंपनी में ऐसे रॉकेट बनाऊंगा जो रॉकेट है ना इंसान को ऊपर ले जाएंगे, फिर हम मंगल ग्रह पे मैं कॉलोनी बनाऊंगा, फिर वहां पे सारी सुविधा रखूंगा, फिर अपन स्पेस पे ऐसे आते जाते रहेंगे, और अभी सबसे पहले तो मैं पौधे भेज रहा हूँ, फिर बाद में पौधे भेजने के बाद इंसानों को भेज दूंगा, फिर वहां कॉलोनी वाली नहीं बना देंगे, और भाई साहब इसके लिए फंडिंग मिलेगी क्या? अब आप मुझे बताओ, आपसे कोई पैसे मांग रहा है कि भैया एक बार पैसे देते क्या, मेरे में इन्वेस्ट कर दो, फिर क्या करोगे भाई साहब, कौन सा धंधा कौन सी फैक्ट्री? कहता नहीं सर वो मंगल ग्रह पे एक बार कॉलोनी बसानी थी। आपको लगता है कि भाई साहब आपको कोई भी बंदा फंडिंग मिलेगा? हर व्यक्ति बोले ये पागल है, थोड़ा सरका हुआ है, सनकी आदमी है, ये कहना बच्चों के दिमाग में आ जाती है चीजें, ठीक है कोई नहीं अभी इसको नया नया जोश चढ़ा भी मान जाएगा, इसमें तो पैसे वेस्ट करने हैं। इसने कहा भैया ऐसा है तुमको नहीं समझ में आ रही ना, मैं खुद के पैसे ही लगा देता। अब ये बिजनेस की अगर आप नोटिस करोगे, बिजनेस जितने भी बिजनेस बेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं खुद के पैसे से धंधा नहीं करना चाहिए ना, और सबसे पहले रिस्की धंधा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। स्टार्टअप सारे वेंचर कैपिटल एंजल फंड से कि भाई मेरे दिमाग में तो आइडिया है आप पैसे दो तो देखो इसको बड़ा करे। इसने कहा भैया तुम मत दो पैसे, मैं मेरे खुद ही लगा लेता हूँ। तो 165 मिलियन थे इसके पास। इसका एक इंटरव्यू है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहता है कि मुझे मेरे पास उस समय 180 मिलियन थे, 165 वहां से आए थे, 15 उसमें से कुछ बचे हुए थे, टोटल 180 थे। तो बोले मैंने 100 मिलियन स्पेसएक्स में लगा दिए थे, मैंने शायद 70 मिलियन उसमें मैंने 70 मिलियन लगा दिए थे टेस्ला में, 10 मिलियन लगाए थे सोलर सिटी में, और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि किराए के लिए मैं दोस्त से उधार लेता था, खुद के घर के किराए के लिए मुझे दोस्त से उधार लेना पड़ता था, क्योंकि मैं 100 मिलियन मतलब 750 करोड़ तो मैं लगा चुका स्पेसएक्स में, मैंने लगभग 500 करोड़ रुपए लगा दिए टेस्ला में, 70-80 करोड़ लगा दिए सोलर सिटी में, तो भैया मेरे पास किराए के पैसे नहीं बचे, तो मेरे को दोस्त से उधार ले लेके किराया भराया। कैन यू इमेजिन कि 1400-1500 करोड़ का आदमी है, किराया उधार लेना पड़ रहा है, क्योंकि सारा पैसा 100% पैसा अपने ड्रीम में लगा दिया। देन व्हाट हैपेंड, फिर इसने कंपनी बनाई साहब स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प, पूरी कंपनी का नाम यह है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प, इसको शॉर्ट में कहते हैं स्पेसएक्स। तो इसने मई 2 में कंपनी बनाई स्पेसएक्स। अब मुझे बताओ सर, अभी तक अपन ने इसकी एजुकेशन भी देखी है ना, 9 साल की उम्र में खुद ने कोडिंग सीख ली थी, फिर एक बैचलर किया इसने पेंसिल्वेनिया से, स्टैनफोर्ड गया वो भी 2 दिन में छोड़ दिया। तो भैया टेक्नोलॉजिकली इसको कोडिंग ही तो आती है, रॉकेट बनाना तो एकदम अलग आर्ट हो गया ना, रॉकेट बनाना कैसे सीखा फिर इसने? जैसे कोडिंग सीखी, खुद ही किताब पढ़ रहा है, चीजों को देख रहा है, लोगों से मिल रहा है, रिसर्च कर रहा है, रॉकेट साइंस की स्टडी खुद ने खुद ही करी और बोले चलो बनाते हैं प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप का सर ये सीन था कि एक होता ना कि चलो ठीक है वो 4 कंपनियां क्या बना रही है उनका लेके आ जाते हैं, और फिर उनमें से कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे करके बना देंगे। इसने कहा यार अगर पुरानी किसी कंपनी का उठाएंगे और उसी में ऊपर नीचे कुछ करेंगे तो लगभग वैसा ही कुछ बन जाएगा, मुझे तो कुछ ऐसा बनाना जो सबसे अलग हो। तो सबसे अलग बनाना है तो भैया इनका डिजाइन लूंगा तो दिमाग करप्ट और हो जाएगा। भैया अगर आप किसी व्यक्ति से बोलते हो यार ये बिजनेस कैसे होता है, बोला तो ऐसे होता है, तो आपको नया तो इससे पूछना ही नहीं, देखना ही नहीं मुझे कि अभी रॉकेट कैसे काम कर रहे हैं, मैं तो मेरे हिसाब से नई डिजाइन बना दूं। खुद ने रॉकेट साइंस खुद ही को सिखाई और फिर प्रोटोटाइप पे अच्छी टीम लेके काम इसने किया चालू। काम चालू करके अभी आप सोचो सारे पैसे लगा दिए, अभी अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना कोई मजाक तो है नहीं कि भैया ऐसे ही ठीक है लगा दो यार करोड़ दो करोड़ रुपए जो लग जाएंगे लगा दो। इसने पहली बार रॉकेट जलाया, वो रॉकेट चलाया, वो छूटते ही ब्लास्ट हो गया उसका इंजन, मतलब छूटते ही थोड़े से कुछ सेकंड में ब्लास्ट हो गया। दूसरी बार किया वो ऑर्बिट में तो पहुंच गया पर वहां जाके घूम गया। तीसरी बार भी ऑर्बिट में गया पर उसके थोड़ा सा पास जाके घूम गया। सबने कहा भाई देख हो गया तेरा, एकदम शांत हो गई तेरी चूल, सारे पैसे थे लगा दिए, अब कुछ पैसा बचा है? बोले नहीं भाई साहब पैसा तो नहीं बचा, ये रॉकेट में लगा दिया, इसमें लगा दिया, कंपनी सैलरी सब में सब कुछ लगा दिया, भैया कछू ना बचा।
तो बोले भैया फिर बैंकरप्सी फाइल कर दे और बाहर आ जा। कहते कहते दिवालिया हो गया, कंपनी बंद कर और घर बैठ जा, तेरी दूसरी कंपनी है टेस्ला उससे कमा के खा लेना, तेरी जो तीसरी कंपनी है वो जो सोलर सिटी उससे कमा के खा ले, नहीं तो कुछ तीसरी कंपनी डाल ले, सारा पैसा यहाँ मत डाल। इसने कहा यार बात तो सही है पर एक और करूंगा, जिद्दी जिसको कहते हैं ना जिद्दी, तो जिद्दी लोगों ने दुनिया बदली है, जिद्दी लोगों ने, पागल लोगों ने। और एक चीज नोटिस करना, जिद्दी और पागल लोगों में और सक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस क्या है, इतना सही है। इसने चौथा रॉकेट छोड़ा, वो सक्सेसफुल हो गया तो मस्क मस्क हो गया, और चौथा रॉकेट फेल हो जाता तो कोई याद भी नहीं रखता कि कौन था एलन मस्क, खत्म हो जाता ये। बट वो रिस्क लेना ही आपको बिजनेसमैन बनाता है। तो जितने भी पैसे बचे थे कि भाई ठीक है इधर भी इकट्ठे, इधर उधर से इकट्ठे कर लिए, मांग लिए, जो कर सकता था वो सब करके इसने चौथा रॉकेट लॉन्च कर दिया। एंड लक भगवान ने कहा भैया ये नहीं मान रहा आदमी, इसका भी चौथा रॉकेट नहीं पास होगा तो ये फिर पांच पांच छठा जाने क्या क्या ही करता रहेगा। भाई आपका चौथा रॉकेट सफल है, चौथा रॉकेट सुपर डुपर सफल हुआ। अब उस रॉकेट का मैं बताता हूँ क्या हुआ कि नासा ने कह दिया भाई साहब यार आपका रॉकेट तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी में सामान ले जाता है और बहुत सस्ता है। इसका कैपेसिटी आपको मैं बता दूं कि ये जो इसका फाल्कन जो 2018 में आया, इसने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया ये तो लॉन्च हो ही गया था, फिर इसने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया जो इसका लेटेस्ट है जो अभी ट्रेवल में इश्यू में आता है, वो एक बार में 53,000 किलो सामान ले जाता है, एक बार में 53,000 किलो सामान ले जाता है, विच इज डबल। मतलब नासा जब अपने वाले बेचता था जो पुराने वाले थे वो एक बार में 26-27 हजार किलो लेके जाते थे, ये एक बार में 53,000 किलो सामान ले जाता है और पहले से 1/3 कॉस्ट में ले जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि पहले जो 100 किलो का सामान अगर 100 रुपए में जाता था, ये कहता है 200 किलो सामान 33 रुपए में बेच दो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी स्पेशलाइज थी। तो आज की डेट में नासा ने बोला कि भैया हमारे यहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी सामान आएगा जाएगा, या हमारे अंतरिक्ष यात्री भी आएंगे जाएंगे, हम स्पेस शटल बेचते थे, बहुत महंगा पड़ता था भाई साहब, पूरा स्पेस शटल बनाना है उसमें सामान डाला, बंदे डाले और भेज रहे थे, बहुत महंगा था भाई साहब, आप तो आप ही कर लिया करो। तो बेसिकली ही हैज बिकम द टैक्सी, ये इंडिया से मार्स की टैक्सी बन गया है। नासा कहता भाई साहब दो आदमी छोड़ के आना, भाई साहब छोड़ गया है, अरे नासा कह रहा भाई साहब ये मशीन छोड़ गया आना, हाँ भाई साहब छोड़ गया है। तो टेक्निकली ये जो स्पेस ट्रेवल के लिए नासा के सामान, इसके क्लाइंट क्या है, नासा इसका क्लाइंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट इसकी क्लाइंट है कि भैया अंतरिक्ष में कुछ काम हो तो बता देना भाई साहब। तो छोटे मोटे तो क्लाइंट भी नहीं है अब इसके, इसने भैया गेम बड़ा खेला तो क्लाइंट भी बड़े हैं। तो आज की डेट में ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने ऐसा रॉकेट बनाया जो कि ऑर्बिट में तो गया और वापस भी लौट के आ गया। आज के पहले क्या होता था, रॉकेट बनाते थे ना, तो रॉकेट बनाओगे वो स्पेस एक्स में वहां जाएगा, स्पेस में आपका काम कर देगा लेकिन फिर वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगा, या वहां से वापस आके उसको समुद्र में गिराना पड़ेगा और वो खत्म, और वो पूरा समुद्र में कचरा फैलेगा, बहुत मैसी था लेकिन जरूरी था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसने कहा भैया ऑप्शन है, अपना रॉकेट जाता है ऊपर, सामान छोड़ता है और वापस आ जाता है, आप उसको वापस रियूजेबल कर लो भैया। ऐसे इसमें गुण तो सारे भारतीयों वाले लग रहे हैं मुझे, इंडियन वाले करते हैं कि भाई साहब एक चीज को दो चार बार काम में लो, सस्ता काम होना चाहिए। तो ये तो इसने कहीं इंडियन से सीखा होगा, इससे पर्सनली बात करेंगे तभी पता पड़ेगा। भैया तू किसी भारतीय भारतीय के टच में है क्या, बता, हरकतें तो वही लग रही है। तो इसने यूजेबल रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, देन उसके बाद ये फैसिलिटी करने के बाद ये स्पेस शटल का भी अल्टरनेटिव हो चुका है कि भैया स्पेस शटल छोड़ना, अब इसको भेज देंगे और ये ऐसी अच्छा स्पेस ट्रेवल इसके चक्कर में 94% सस्ता हो गया। एक बार अंतरिक्ष का चक्कर लगा के आने में 1 बिलियन लगता था, यानी आज की डेट में 7,500 करोड़। तो 7,500 करोड़ लगा करते थे एक बार सामान कुछ भेजने और मंगाने में, इस भाई के चक्कर में इसके आने के बाद से वो हो जाता है 500 करोड़ में, लगभग 94% इसने घटा दिया है। और इसकी वजह से अभी इसका तो ड्रीम पता ही था ना इसका, इसने कंपनी क्यों बनाई है, इसको मार्स पे कॉलोनी बसानी है, तो अभी ये इस तरह के ड्रोन इस तरह की चीज बना रहा है, स्पेस टूरिज्म करा रहा है। इसकी कंपनी के थ्रू अभी टॉम क्रूज, अगर आपने नाम सुना हो जिसकी मूवी आती है मिशन इम्पॉसिबल जो सीरीज आती है, तो टॉम क्रूज हॉलीवुड का पहला ऐसा आर्टिस्ट बनने जा रहा है, पहला ऐसा आर्टिस्ट जो स्पेस में शूटिंग करेगा। तो एलन मस्क की कंपनी रॉकेट में टॉम क्रूज को स्पेस में भेज रही है और वहां शूटिंग होगी बकायदा,
मिशन इम्पॉसिबल जो 6 आ रही है उसकी, तो भाई साहब ये उसको भेज रहा है। तो स्पेस टूरिज्म इसकी वजह से बूम पे है, किसी को स्पेस घूम के आना है बता देना है, घुमा देता है। और इवेंचुअली इसका 10-15 साल प्लान है कि मार्स में अगर मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ मैं कॉलोनी बजाऊंगा। तो जैसे अपने होता है ना, कहाँ जाके आ रहे हो, अमेरिका जाके आ रहे हो, ये कहेगा अच्छा यार वो एक बार मैं मंगल जाके आया, देखो एक बार मंगल में भी अपना प्लॉट है संभाल गया है। तो दैट बस ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लाइफ लेसन नंबर 6। इससे आपने क्या सीखा आप बताना। मैंने जो इससे सीखा वो है बिलीव इन योरसेल्फ इज द की। सर जब इसने कहा भैया पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, ये मेरा ये सपना है, सबने कहा अरे भाई मैं नहीं दे रहा पैसे। अब अगर इसको खुद पे भरोसा नहीं होता तो ये खुद से क्या कहता, अरे यार भाई साहब मेरा तो एक सपना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ खुद के साथ ऐसा हुआ होगा, या फिर आसपास आपके कई लोग घूम रहे होंगे कि भाई साहब एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था मेरे माइंड में, मैं उसको करना चाहता था, बैंक ने भाई साहब फंडिंग नहीं दी, जनता ने लोन ही नहीं दिया, अब मैं क्या करता, तो फिर मैंने प्रोजेक्ट रहने ही दिया। अरे भाई साहब अगर पैसे मिल जाते ना मैं क्या से क्या कर जाता। भाई साहब अगर आपको उस प्रोजेक्ट पे इतना ही भरोसा था कि मैं क्या से क्या कर जाता तो भाई साहब पैसा तो आ जाता। इतना मैंने आज तक मेरी जिंदगी में देखा, अगर मुझे किसी चीज पे भरोसा या किसी को किसी चीज पे अगर है ना कि अरे बढ़िया चीज है तो उसके लिए पैसा तो आ ही जाता है। सर हमारे पास कितने किस्से हैं कि सब्जी बनाने वाली ने अपनी बेटी को MBA IIM से करा दिया, डॉक्टर बना दिया भाई साहब जो जूते काटने वाले ने डॉक्टर बना दिया, चाय वाले ने बच्ची को इंजीनियर बना दिया, क्योंकि उसको लगा यार ये चीज इंपॉर्टेंट है होनी चाहिए। तो जिस चीज को आप बोलते हो ना ये होना तो चाहिए, इसका एक कोटेशन भी फेमस है, वो कहता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना तो कितनी भी डिफिकल्टी हो आप कर गुजरोगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी फाइल है, कोई ऐसा आइडिया है जिसमें मेहनत की जाए तो कुछ से कुछ बन सकता है, बट दुनिया भी उसमें बिलीव नहीं कर रही, तो सर दुनिया उसमें बिलीव करेगी भी नहीं। योर आइडिया इज योर बेबी, आपका आइडिया आपका बच्चा है, इसे तो आपको ही पैदा करना पड़ेगा, आपको ही पाल पोस के बड़ा करना पड़ेगा। ये जब तक पेट में है कोई नहीं देख पाएगा। आपका आइडिया आपके माइंड में है तो ये आपसे लोगों को बता सकते हो ऐसा है लोग देखे मानेंगे नहीं। बच्चा जब तक पेट में होता है तो आप कितनी कहानी सुना लो बोले हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, जब बच्चा पैदा होगा बोलने लगेगा चलने लगेगा कुछ करके दिखाएगा तब दुनिया बोलेगी हाँ यार भाई साहब इसमें कुछ बात है, लगा हुआ इन्वेस्टमेंट। जब इसका चौथा सक्सेसफुल हुआ तो बाढ़ आ गई इन्वेस्टमेंट की, नासा कहता हमसे ले लो, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती हमसे ले लो, इन्वेस्टर कहते हमसे ले लो, सब दुनिया तैयार है पैसे देने के लिए, पर पहली शुरुआत तो भैया अपन को ही करनी। तो जब तक खुद का खुद पे बिलीव नहीं है तो कुछ होगा नहीं। डन। सेकंड, परसिस्टेंस पेज बैक। चल कई बार क्या होता है कि सर यार राहुल जी यार आज राहुल जी आपकी बात से इंप्रेस हो गए, जोश आ गया राहुल जी, अब मैं देखो अब मैं मेरे आईडिया को एग्जीक्यूट करता हूं। आप आईडिया को एग्जीक्यूट करने गए और वो फेल हो गया भाई साहब। आपने सोचा इस महीने 10 कस्टमर से मीटिंग करूंगा, 5 तो मानेंगे ही, आपने 10 से मीटिंग की, एक भी नहीं माना। अगले महीने कहा चल 10 में से 2 तो मानेंगे, फिर 10 से की, एक भी नहीं माना। 6 महीने में 100 से मिल लिए, एक भी नहीं माना। आप कहते तो भैया धंधा ही ठीक नहीं है, बात ही ठीक नहीं है, छोड़ यार बंद कर देते हैं। अगले आदमी ने एक रॉकेट फेल होने पे नहीं माना, यार ठीक है यार फालतू मेरे को गलती से फितूर चढ़ गया था, सो सॉरी कान पकड़ता हूँ गलती हो गई, ये फालतू मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कंपनी बंद कर भैया, एक रॉकेट मेरा फेल हो गया। कहते एक फेल हो गया तो दूसरा जाने दे, तो दूसरा फेल हो गया तो तीसरा जाने दे, और तीसरा फेल हो गया तो चौथा जाने दे। और ये ऐसा आदमी है फेल हो जाता तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो सकता है, कंपनी होल्ड कर लेता, फिर ये टेस्ला में इन्वेस्ट करते करते उसका पैसा आता है पांचवा भी बेचता, छोड़ता तो नहीं है। तो ये छोड़ता ही नहीं है, इसीलिए सक्सेस आती है। अगर आप किसी चीज के पीछे पीछे लग गए हो आज नहीं तो कल भैया सफलता तो मिल ही जाएगी। वन मोर लेसन कि इनोवेशन गिव्स यू द एज। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार जो अच्छा यार वो चीज बढ़िया बिक्री है मैं भी वही बेच लेता हूं, तो सर फिर आप हो सकता है मॉडरेटली सक्सेसफुल हो जाओ। सुपर सक्सेसफुल तब होगे जब आपने खुद का ब्रांड डेवलप किया हो, खुद का प्रोडक्ट डेवलप किया हो, कुछ ऐसा किया हो जो पूरी संसार से अलग हो। मैंने हल्दीराम की केस स्टडी आपको करवाई थी, जो फ्रीडम और के एडवांस मेंबर है उनको ध्यान होगा। मैंने क्या बताया कि भैया जब हल्दीराम ने अपनी नमकीन बनाई तो नमकीन का नाम ही अलग से रख दिया कि मेरी नमकीन का नाम है भैया डूंगर सेव, अलग सेव है मेरी, और उसकी सेव इसलिए अलग से बिकी। तो या तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज लेके आओ, सर्विस कुछ एक्स्ट्रा दो,
कुछ इनोवेशन करो, कुछ एज दो, मतलब अगर आप जैसी दुनिया दे रही है वैसे ही देते रहोगे तो दुनिया में शामिल होकर रह जाओगे, दुनिया से आपको अलग होना पड़ेगा। पूरी दुनिया रॉकेट बना रही थी कि भैया रॉकेट का ऐसा ही होता है, अंतरिक्ष में जाता है फिर नीचे गिर जाता है और क्या करे। इसने कहा नहीं भैया रीयूज करते ना यार, क्यों नहीं करते। सब लोग कह रहे थे कि नहीं भैया यार ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं, ये वाली टेक्नोलॉजी काम करती है। इसने कहा नहीं यार जीरो से बनाते हैं ना यार। तो आज इसने वो चीज बना ली, तो इसने तो रॉकेट ही बना लिया। आपको तो आई थिंक जित भी बिजनेस में अपन जो लोग हैं, अपन को रॉकेट तो नहीं बनाना। तो जब रॉकेट बनाना भी सीखा जा सकता है और उसमें भी परसिस्टेंस ली जा सकती है, तो सर हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। तो लर्न फ्रॉम दैट। आपको और क्या क्या सीखने मिला अभी तक की स्टोरी से स्पेसएक्स के बाद, एक बार चैट बॉक्स में भाई साहब बताते रहना, चैट बॉक्स में बताते रहना स्पेसएक्स की स्टोरी के बाद आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। रविंदर जी ग्रेट सर। नाउ टेस्ला टेस्ला टेस्ला, जिसको लेके एकदम हल्ला मचा हुआ है हर जगह, टेस्ला 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 हो रही है। टेस्ला भैया कैसे चालू हुई? अच्छा, इसने टेस्ला कंपनी इसने चालू नहीं की थी, ये कितने लोगों को पता है कि टेस्ला कंपनी इसने चालू नहीं की थी? तो व्हाट इज द फन फैक्ट, टेस्ला इसने चालू नहीं की थी, टेस्ला कंपनी चालू हुई थी। इसका नाम शुरू में था टेस्ला मोटर्स। जुलाई 2003 में मार्टिन और मार्क करके दो बंदे थे, उन्होंने चालू की थी उस कंपनी को, उन्होंने चालू किया था। इस कंपनी का नाम टेस्ला रखा था, जो निकोला टेस्ला है, निकोला टेस्ला करके जो इन्वेंटर है उसके नाम पे इसको रखा था। 2003 में इन्होंने कंपनी चालू की और इस कंपनी का शुरुआत पे जो एंजल कंपनी का नाम इन्होंने रखा, कंपनी का इनिशियल डिजाइन की वर्किंग इन्होंने सोची, शुरुआती एंजल इन्वेस्टर इन्होंने लेके आए, फंडिंग ये लेके आए, तीन चार साल ऑफिस इन्होंने चलाया, सब कुछ काम बढ़िया किया। फिर लेकिन एक होता है ना सीरीज ए फंडिंग, कि जब बिजनेस अब चालू होता है, बिजनेस चालू होता है तो कैसे होता है कि भाई शुरुआत में आपको कोई देगा 10 लाख रुपए, फिर चलेगा तो कहेगा ले भाई 50 लाख रुपए ले, और फिर चलने लगेगा तो कहेंगे भैया अब बता 5 करोड़ रुपए ले दे। तो जब सीरीज ए फंडिंग यानी मेजर फंडिंग आती है, पहले छुटमुट फंडिंग और छोटे छोटे लेवल पे जब चल रहा था, मार्टिन और मार्क चला रहे थे, फिर जब बड़ा लेवल आया तो 2004 में मस्क ने ज्वाइन किया कि भैया देखो ऐसा है मेरा स्पेसएक्स कर में नाम माम भी है। अच्छा उस समय भाई के पास पैसा भी था, 100 मिलियन 165 मिलियन आए थे ताजा, 100 मिलियन स्पेसएक्स में लगाए थे, 70 मिलियन इसने यहां लगा दिए। तो टेस्ला वालों ने कहा भाई इतना पैसा 70 मिलियन, 500 करोड़ रुपए दिए, तो 500 करोड़ देके ये उसका चेयरमैन बन गया था बोर्ड का, और सीरीज ए फंडिंग इसने सबसे ज्यादा पैसा इसने लगाया और बाकी इधर उधर से इसने पैसा और इकट्ठा किया। 2008 तक 4 साल तक ये वहां पे प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर काम कर रहा था कि भैया मैं ना इस कंपनी का प्रोडक्ट डिटेल में मैं काम करता हूं। तो इसकी जो पहली कार थी रोडस्टर, इसकी पूरी डिजाइन कि भैया कैसी दिखेगी, क्या पार्ट होगा, अंदर की मशीनरी, पूरा डिटेल लेवल पे एज ए इंजीनियरिंग वाला जो काम होता है ना, बिजनेसमैन वाला काम नहीं कि ऑपरेशन फाइनेंस देख रहा है, मीटिंग देख रहा है, वो बोला मार्टिन मार्क को तुम देखते रहो, मैं कोई ये बिजनेस के रेगुलर फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हूंगा कि एम्प्लॉय का क्या हुआ आया, मेरे को तो प्रोडक्ट की बात करो, क्योंकि इंजीनियर था बाय हार्ट, प्रोडक्ट पे मजा था, प्रोडक्ट पे दिमाग लगाया इसने 2008 तक। फिर 2008 में भैया फाइनेंशियल क्राइसिस आया ही था बहुत बड़ा अमेरिका में, और उसके बाद इंटरनल भी इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो जो मार्टिन करके सीईओ था उसने दिया छोड़ कि भैया ठीक है यार अपने से तो नहीं बैठ रही, अपने क्राइसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसको मार्टिन को निकाला बाहर, बाय बाय मार्टिन, और इसने कहा भैया अब मैं बन रहा हूँ सीईओ। तो 2008 में सीईओ बना टेस्ला, इसने ओरिजिनली नहीं बनाई थी, किसी और की कंपनी थी, फिर इसने इन्वेस्ट किया, फिर ये प्रोडक्ट डिजाइन किया, फिर ये सीईओ बना, फिर ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर बना। ठीक है, टेस्ला इसकी इनिशियल कंपनी नहीं थी। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, ऑटोमोबाइल कंपनी में सीईओ फटाफट चेंज होते हैं भाई, चेयरमैन तो वही रहता है, सीईओ फटाफट चेंज होते हैं। ये लॉन्गेस्ट टेन्योर्ड सीईओ है मैन्युफैक्चर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर का अब तक। 2008 में सीईओ बना था भाई साहब, 12 साल से यही सीईओ है और आगे अभी 10-20 साल तक भाई रहने वाला है, और अभी तक इतने लंबे समय तक ऑटोमोबाइल में कोई सीईओ नहीं रहा, चेयरमैन रहा होगा, प्रोडक्ट रहा होगा, पर वो नहीं रहा। ठीक है सर, ये मैं इन बिटवीन कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूं सर आपके। एक रविंदर जी ने लिखा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ग्रेट सर। वो स्पेक्स में काम करते थे तब दूसरी कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टर ही थे या सेम टाइम ऑल कंपनीज के लिए भी काम कर रहे थे? क्वेश्चन है कि सर देखो जब स्पेक ये एक ही बार में मल्टीपल कंपनीज में काम कर रहे थे, अगर आप बात देखोगे ना उसी समय इन्होंने सोलर सिटी भी चालू कर रखी थी, टेस्ला भी चालू कर रखी थी, स्पेसएक्स भी चालू कर रखी थी, पर एज ए इंजीनियर जो इनका लव है ये प्रोडक्ट में ज्यादा थे, बाकी चीजों में नहीं थे। तो एक साथ सारी कंपनियों में काम कर रहे थे।
भारत पोस्ट जी कहते हैं कि फेल होना ही सफल होने की पहली सीढ़ी है। ग्रेट सर। कृणाल सोनी जी कह रहे हैं राहुल जी हमने भी स्टार्ट कर दिया है सपने देखने का। ग्रेट सर। जिशान जी कह रहे हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ओके तो सर टेस्ला मोटर ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार लॉन्च की थी, फिर द टेस्ला रोडस्टर। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब मुझे बताओ टेस्ला के पास आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक कार टेस्ला है। इलेक्ट्रिक कार में सबसे उन्नत सबसे शानदार डिजाइन टेस्ला की है, सबसे शानदार टेक्नोलॉजी टेस्ला की है। ये इतनी शानदार टेक्नोलॉजी इतनी शानदार डिजाइन का पेटेंट एलन भाई ने करा ही रखा होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं अपन को कि एलन भाई ने पेटेंट करा रखा है कि भैया ये जो पेटेंट है ये टेस्ला का है, टेस्ला ने बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप की है इलेक्ट्रिक कार की। ये बंदा कहता है कि नहीं भैया मेरे को है ना पृथ्वी से बड़ा प्यार है, जो आदमी मानव प्रजाति को बचाने के लिए कह रहा है कि स्पेस पे कॉलोनी बना देंगे ताकि मानव प्रजाति जिंदा रहे, तो ये हमेशा इको फ्रेंडली चीजों पे फोकस करता है। इसने जो स्पेसएक्स की बात की, इसने कहा यार रॉकेट जाएगा, रॉकेट ब्लास्ट होता है, समुद्र में गिरता है, फालतू प्रदूषण बढ़ रहा है और इतना ज्यादा एनर्जी भी काम में ले रहा है, मैं इसको एक काम करता हूं कि रीयूजेबल करता हूं ताकि थोड़ी पृथ्वी सेव रहेगी। वहां जहां पे टेस्ला बन रही है वो सोलर सिटी से बना रहा है कि भैया सौर ऊर्जा काम में ले लेते हैं, सौर ऊर्जा काम में ले रहा है, विंडमिल है, पवन ऊर्जा काम में ले रहा है कि भैया पृथ्वी से ही ले लो, जो पृथ्वी दे रही है ना सूरज, भाई नेचर ने दिया है सूरज उसकी ऊर्जा ले लेते हैं, नेचर ने हवा दी उसकी ऊर्जा ले लेते हैं। हम फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं कि जितने भी ऐसे पेट्रोल डीजल जो हम काम में ले रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं जो जलते हैं और प्रदूषण पैदा करते हैं, कि भाई पेट्रोल जलता है पर प्रदूषण होगा, डीजल जलेगा पर प्रदूषण होगा, बाकी गैसेस जलेगी प्रदूषण होगा। इसने कहा मैं ऐसी चीजें काम में लेना चाहता हूं कि प्रदूषण ना हो, तो इसने स्पेसएक्स में भी वही किया, सोलर सिटी में वही किया, टेस्ला में इसने कैसे किया। टेस्ला में कभी इलेक्ट्रिक मोटर पेट्रोल डीजल काम में लेती नहीं है, लेकिन इसने कहा अगर मैं अकेला ही बनाऊंगा कितनी बना लूंगा, कितनी बना लूंगा, मुझे तो पूरा विश्व को बचाना है, तो टेस्ला कितना ही बना लेगी। तो इसका जो टेस्ला का पेटेंट तो है पर सोर्स कोड ओपन है। ये कहता है भैया ये जो हमने डेवलप किया है इस पे आधिकारिक रूप से तो मेरा ही है, बट मैं सबको अलाउ करता हूं, कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आए ये पेटेंट की सारी चीजें ले, यूज बना रहे, गाड़ियां बनाओ मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ऐसा नहीं कंपटीशन में मोनोपोली के चक्कर में पेटेंट तो कराया पर मोनोपोली नहीं है, इसने खोल दिया कोर्स कि भैया देखो मैं तो ऐसे ऐसे बना रहा हूं तुम भी बनाओ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अपन को मानव प्रजाति को बचाना है तो यार मेरी कंपनी कितनी बनाएगी। तो टोयोटा है आपकी, टोयोटा मर्सिडीज बेंज सब ये मॉडल कॉपी कर चुकी है, और इनकी जो आने वाली इलेक्ट्रिक कार्स है, जो मर्सिडीज की आने वाली है, जो टोयोटा की आने वाली है, जो टाटा की आने वाली है, सब इसी वाले पेटेंट को काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये आज की रेट में सबसे सेफेस्ट कार बताई गई है। इनफैक्ट मतलब एक इसका था वो कहता है टू गुड टू बी ट्रू, फाइव जो फाइव स्टार रेटिंग आती है ना सेफ्टी में, इसको मैंने 5.4, अब वो ऑफिशियल नहीं है, वो जो टेस्ट जब टेस्ट किया था तो जो मानक होते हैं ना उन मानक में इसकी आई थी 5.4। अब ऑब्वियसली 5.4 दिखा नहीं सकते, पर ये अब तक की सबसे सेफेस्ट कार है। इससे ज्यादा टेस्ला में अगर आप बैठे हो तो भाई साहब जब तक कोई कचूमर नहीं बना देना ट्रक उसको छोड़ दो, बाकी छोटे मोटे या बड़े भयंकर एक्सीडेंट भी आप झेल जाओगे, ये अब तक की सबसे सेफेस्ट कार है। ठीक है, मार्च 2020 में जो टेस्ला 3 का मॉडल था वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है, 500,000 यूनिट बना रही है साल की। और इस बार अपन भाई बात करेंगे लास्ट, तो इसने 1 मिलियन की कैपेसिटी टच कर दी, 1,000,000 की टच कर दी, और अगले साल में। अब टेस्ला के बारे में कुछ ऐसे फीचर बताता हूं, आप मेरे एक बड़ी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने के बाद ना टेस्ला की 2-3 वीडियो देख के आना, तो टेस्ला की कार की 2-4 खूबियां बताता हूं। पहली खूबी तो मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रिक कार है, बेस्ट है, दिखने में अच्छी है। सेकंड एक खूबी और सुनो, टेस्ला की गाड़ी आप शोरूम में जाके खरीदते नहीं हो, आप टेस्ला की गाड़ी ऑर्डर देते हो, टेस्ला की गाड़ी कस्टम मेड, कस्टम गाड़ी बनती है। यानी जैसे आपने कहा एक होता ना कि भी गाड़ी गए टेस्ला के एग्जीक्यूटिव, आप जाते हो टोयोटा में मर्सिडीज में, मर्सिडीज वाला कहता है हमारे मॉडल है भैया, मॉडल है ऐसे मॉडल, ये मॉडल जेड है, कौन सा वाला लोगे, आके तो ये वाला वो बुक पेमेंट किया लेके आ गए। टेस्ला नहीं है, टेस्ला कहता भैया टेस्ला चाहिए क्या, हमारी वेबसाइट पे जाओ और बताओ वो कैसी चाहिए, आप डायल करो मुझे ऐसी चाहिए साहब, ये ऐसा ऐसी चाहिए, ऐसा ये चाहिए, उसमें बहुत सारे कस्टम फीचर है कि मुझे तो ऐसा ये चाहिए जी,
ये कैपेसिटी चाहिए जी, ये चाहिए। तो जैसे क्लिक कर करके अपन ऑर्डर करते हैं ना मेन्यू में, भैया ये ला देना, ये थोड़ा ज्यादा रखना, मिर्ची ज्यादा रखना, नमक हटा देना, लहसुन डालना ही मत, तेल थोड़ा कम रखना। टेस्ला की गाड़ी आप ऐसे ऑर्डर करते हो, टेस्ला की गाड़ी जाके खरीद के नहीं लानी, टेस्ला की गाड़ी ऑर्डर करनी है। बहुत सारा पूरा क्वेश्चन पूछता है, ये कितना रखना है, वो कितना रखना है, उस हिसाब से वो बन के आपके यहाँ पे डिलीवर होती है, बनेगी और आपकी नियरेस्ट जो डीलरशिप है वहां पे डिलीवर होगी। और ये अमेरिका में कहता है कि अगर नियरेस्ट डीलरशिप आपसे दूर है तो आप $2,500 का एडिशनल पेमेंट करो, घर पे डिलीवर होगी। अब ये घर पे डिलीवर हो तो टेस्ला को आप खरीदते नहीं हो जाके, आप कस्टम ऑर्डर करते हो। पहली बात, टेस्ला का जो दो तीन जो अदर चीज और फेमस है, एक टेस्ला का ल्यूडिक्रस मोड है। ल्यूडिक्रस मोड का मतलब होता है जिसको अपन धूम में नहीं कहते, NOS दबाती गाड़ी रॉकेट हो जाती है, वो दबाते एक 2.4 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड के अंदर अंदर 0 से 60 मील तक चली जाती है, 0 से 60 माइल्स यानी 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है मात्र 2.5 सेकेंड में, ल्यूडिक्रस मोड ऑन कर दी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो में कल रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा सर शायद आपको भी बताता हूं, आप एक बार जाके देखना कि टेस्ला सेलिब्रेशन मोड, टेस्ला की गाड़ियों में एक सेलिब्रेशन मोड आता है, आप उसमें टेस्ला में जाओ और गाड़ी बंद करके सेलिब्रेशन मोड ऑन कर दो, और तो गाड़ी बकायदा डांस कर रही है, टेस्ला की गाड़ी डांस कर रही है, लाइट शो दिखाएगी आपको, गाड़ी खुलेगी, ऊपर नीचे होगी, गाड़ी के गेट ऊपर नीचे होंगे, लाइट बंद बुझेगी, मतलब सेलिब्रेशन मोड है। ये कहता है यू कैन सेलिब्रेट विद योर कार। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी। तो अभी तक इसकी जो दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी, स्पेसएक्स और टेस्ला। अभी मैं यहां पे एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूं जस्ट टू नो कि भाई साहब चैट बॉक्स में अभी तक आपने क्या सीखा, क्योंकि इसकी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनीज थी वो थी स्पेसएक्स और टेस्ला। इनकी लर्निंग के बाद आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ अभी तक मैंने क्या सीखा और मेरी क्या लर्निंग रही। अपन आगे बढ़ेंगे लेकिन मैं एक बार आपकी लर्निंग देखना चाहता हूँ सर चैट बॉक्स में। इसके बाद हम बात करेंगे सोलर सिटी की, कि सोलर सिटी क्या थी, इसने कैसे स्टार्ट की, क्या अभी काम हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, विल टॉक अबाउट सोलर सिटी। सचिन जी का कमेंट है कि डोंट सी टुवर्ड्स फेलियर, सी द रीजन बिहाइंड फेलियर एंड गो अहेड। आप ये मत देखो असफल हो गए, ये देखो यार सफल असफलता के पीछे क्या रीजन था, और रीजन को देखो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। और मैं बाकी कमेंट आपके बीच बीच में लेता रहूंगा। जुनून जरूरी है, बालाजी सेल्स में कहते हैं सर जुनून जरूरी है, आपको चाहे मिशन, आपको चाहे मंगल पे कॉलोनी बसानी हो या वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कार बनानी हो, जुनून तो भैया जरूरी है। और ये जुनून ऐसा नहीं कि आपको बेस्ट कार और बेस्ट स्पेस शटल के लिए चाहिए, जुनून जरूरी हर चीज के लिए। आप छोटा सा किसी पान की थड़ी पे बैठा अगर वो जुनूनी है ना, तो भाई साहब फिर उसके पान पूरी वर्ल्ड खाता है कि भैया ये चीज है। इनोवेशन नेवर एंड, राजू जी कह रहे हैं भैया इनोवेशन खत्म ही नहीं होता, आपके इंसानी दिमाग की सोचने की सीमा थोड़ी है, आप तो आगे बढ़ते रहो। सुनील जी कहते हैं इंस्पायर ऑलवेज, कि हमेशा आप चीज से इंस्पायर्ड रहो और इंस्पायर्ड करते रहो। नथिंग इज इम्पॉसिबल बट यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, 100% सर, काम करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रेट सर। और दुनिया की भीड़ से अलग होके कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, ग्रेट। अब सोलर सिटी क्या चीज है सर? सोलर सिटी मस्क ने इसका इनिशियल कॉन्सेप्ट दिया था कि इसको ऐसा ऐसा बनाना, और फाइनेंशियल कैपिटल भी इसने दी थी, बट इसको चालू करके जो मैनेज करने का मेजर काम है वो उसके कजन्स करते हैं। तो 2006 में इसने आइडिया दिया, इसने इनिशियल पैसे दिए, बट ही वॉज मोर फोकस्ड टूवर्ड्स स्पेसएक्स एंड टेस्ला। तो सोलर सिटीज के कजन्स रन कर रहे थे। 2013 में सोलर सिटी सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइडर है USA में। जो कंपनी 2006 में चालू हुई, 7 साल में अमेरिका की नंबर 2 कंपनी हो गई है सोलर पावर में, वो कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद अभी तो किसन की कंपनी थी, इसने 2016 में क्या किया, सोलर सिटी के शेयर खरीद लिए $2 बिलियन में, और इसको टेस्ला का ही एक पार्ट बना दिया, तो अब सॉरी स्पेसएक्स का। तो आज की डेट में स्पेसएक्स की सब्सिडरी है, ठीक है। अच्छा, इसका हमेशा आपने नोटिस करा, इसने हर चीज जो भी है वो इको फ्रेंडली बनाता है, जितनी चीजें बनाता है वो इको फ्रेंडली बनाता है।
स्पेसएक्स में क्या बोला कि भैया इको फ्रेंडली का सिस्टम क्या है कि भैया रॉकेट नष्ट नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट को नुकसान होता है, रॉकेट वापस आ जाना चाहिए, रॉकेट सस्ता हो जाना चाहिए, यहाँ पे भैया दिक्कत आएगी आप बाहर चलो। सोलर में आ गया कि भैया जितना इसके टेस्ला के जितनी भी फैक्ट्री है जहां जहां भी बनी हुई है उसकी जो पूरी रूफ टॉप है वो सोलर रूफ टॉप ही है। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहता है कि भैया अपन तो सोलर से ही लेंगे, बच्चे कुछ ही एनर्जी विंड मिल से ले लेंगे, लेकिन इसको धरती बचाने के लिए जितनी चीजें कर सकता है ये कह रहा है फॉसिल फ्यूल का यूज कम से कम होना चाहिए। डन। तो ये इसकी कंपनी नंबर कौन सी हो गई सर, कंपनी कितनी हो गई इसकी, जिप टू थी जो इसने 165 करोड़ में इसको मिले थे, दूसरी इसने बनाई थी पेपाल जहां 1200 करोड़ मिले थे, तीसरी कंपनी भाई की स्पेसएक्स हो गई थी, चौथी कंपनी टेस्ला डिस्कस कर ली थी, पांचवी सोलर हो गई। नाउ कम टू द सिक्स सिटी। अब अपन समझ तो चुके हैं कि ये आदमी थोड़ा सा मानसिक रूप से अलग ही जुनूनी और अलग ही पागल है और इसको इनोवेशन में मजा आता है। इसको कहते हैं थ्रिलिनियर, कहते हैं ना अपन कहते हैं मिलेनियर बिलेनियर, इसको कहते हैं थ्रिलिनियर। इसको कहते हैं ये ऐसा व्यक्ति है जो कि थ्रिलर मूवी देख देख के, ये जितनी भी साइंस फिक्शन मूवी देखी है ये मूवी देख देख के उसको रियलिटी में लाने का प्रयास कर रहा है भैया, तो इसने थ्रिलिनियर कहते हैं इसको। तो इसने थ्रिलिनियर ने क्या बोला, इसने बकायदा प्रेजेंटेशन दी थी न्यूरालिंक पे। न्यूरालिंक में क्या बोलता है कि भैया पहले हम डिवाइस कैसे चलाते थे, सर जी एक बात बताओ, सबसे पहले हम टीवी कैसे ऑपरेट करते थे, वो डब्बा था तो डब्बे पे जाके भैया कलर ब्लैक व्हाइट हम अपने हिसाब से करते थे, आवाज हम बढ़ते थे, चैनल हम चेंज करते थे, हाथ से करते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इसने कहा भैया हाथ से करने की क्या जरूरत है, अब तो रिमोट से भी कर सकते हो, तो दूर बैठ के भैया रिमोट से करने लग गए। पहले रिमोट में कैसे होता था कि रिमोट एकदम पास से, एकदम उसके पास रहेगा सामने रहेगा तो ही कर सकते हैं, अब तो क्या कि दूसरे कमरे में भी रिमोट से आप चेंज कर सकते हो, और टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तीसरी टेक्नोलॉजी और कहाँ पे आई कि भैया तुमको तो हाथ ही लगाने की जरूरत नहीं है, पहले तो हाथ वैसे लगाते थे, अब तुम रिमोट पे लगाते हो, अब तो ना टीवी के लगाओ ना रिमोट के लगाओ, तुम तो मुंह से ही बोल दिया करो, तुम तो मुंह से बोल दो अलेक्सा ऑन द टीवी, टीवी ऑन हो जाएगा, अलेक्सा ऑफ द टीवी, टीवी बंद हो जाएगा, एलेक्सा वॉल्यूम बढ़ा दो, अब तो बोल के भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। तो एलन मस्क ने कहा कि देखो हाथ से तुमने कर ली, रिमोट से तुमने कर ली, बोल के तुमने कर ली, तो फिर मैं इनोवेट क्या करूं, इसको भी तो इनोवेट करना है। इसने कहा भैया ऐसा है कि तुमको बोलने की भी माथाफोड़ी क्यों रखते हो, तुम सोच के ही कर दो उसको। न्यूरालिंक, इसने कहा यह डिवाइस मैं ऐसी बना रहा हूं, यह डिवाइस मैं बना रहा हूं न्यूरालिंक, कि आपका ह्यूमन ब्रेन ही एआई से कनेक्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भैया मैं मुंह से नहीं बोलूंगा कि अलेक्सा टीवी चालू कर दो, मैं सिर्फ टीवी के सामने खड़ा होकर सोचूंगा कि चालू हो जा, मुंह से नहीं बोलूंगा, सब मैं सोच मेरे मन में आएगी टीवी देखते हैं तो टीवी चालू हो जाएगा, मेरे मन में आएगी कि गाने सुनते हैं तो गाना चल जाएगा, मेरे मन में आएगा कि चलो गाड़ी खोलते हैं तो गाड़ी खुल जाएगी। न्यूरालिंक इसे टेक्नोलॉजी कह रहा है कि भैया हाथ की भी जरूरत नहीं है और बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम सोचो बस, तुम तो बस दिमाग से बोल दो कि मेरा मन कर रहा है, ये मेरा मन कर रहा है गाने सुनने का, तो बस वो गाना बज जाएगा, आपके मन की सुन ली और बज गया गाना। तो ये ऐसी डिवाइसेस क्रिएट कर रहा है कि वो जो डिवाइस क्रिएट करूंगा और ह्यूमन ब्रेन में उसको प्लांट कर दूंगा, डिवाइस बनाऊंगा ह्यूमन ब्रेन में प्लांट कर दूंगा और उसका सीधा सा मेरा ये यूज रहने वाला है। और ये जो फोटो है ये अगस्त 10 की है, इसने बकायदा डेमो दिया था इसका, ये अगस्त 10 में इसने बकायदा डेमो दिया है इसका। ये एक बार फोटो हटाना पति जी, ये इसने डेमो देते हुए कहा कि भैया बेसिकली क्या है कि तुम्हारे फिटबिट होता है ना, अपने हाथ में फिटबिट है, फिटबिट बताता ना कि आज कितने कदम चले, क्या तुम्हारी हार्ट रेट है, क्या तुम्हारी ब्रेन रेट है, वो फिटबिट बताता है। ये कहता है इट इज अ फिटबिट इन योर स्कल, ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही एक मैं चिप डाल दूंगा जो कि फिटबिट है, ये आगे जाके तुम्हारे दिमाग में जो पैरालिसिस हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, इन सब के लिए भी काम करेगी, सारी डिसेबिलिटीज। भैया हम देखते हैं देखते नहीं है तो ब्रेन में जो सोचा वो सारी चीज होने लग गई। तो इसने कहा धीरे धीरे मैं इसके पे भी काम कर रहा हूं, और जिस तरह का, अच्छा बहुत सारे लोग जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो उसके खिलाफ है, और इनफैक्ट देखा जाए तो इसने आज तक जो जो चीज बनी है ना सब में खिलाफ ही रहे। इसके स्पेसएक्स का जो प्रोग्राम था उसको किसने क्रिटिसाइज किया था, मतलब आप मान लो कि उससे बड़ा क्रिटिसिज्म हो नहीं सकता। नील आर्मस्ट्रांग जो कि पूरे वर्ल्ड का हीरो है और अमेरिका का तो स्पेशल हीरो है, जिसने चांद पे पहला कदम रखा, हीरो है वो,
भाई नील आर्मस्ट्रांग मतलब भैया बच्चा बच्चा, ये इंडिया में गांव में पैदा हुआ बच्चा भी नील आर्मस्ट्रांग का नाम जानता है कि चांद पे पहला कदम रखा था। वो बंदा बोलता है कि नहीं यार ये आदमी ठीक नहीं कर रहा, ऐसे थोड़ी रॉकेट बंद है, ये स्पेस ट्रेस में इसको नहीं ले जाना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया, कहा पॉसिबल नहीं है, नहीं माना, बना दी स्पेस एक्स। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार का भी बड़ा, बहुत सारे मॉडल फेल हुए, रोडस्टर के मॉडल फेल हुए, बनी नहीं रही चीजें, नहीं माना भाई। टेस्ला का मैं एक बात आपको बताना भूल गया, आज की डेट में टेस्ला वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी। इसका मतलब जो कंपनी 2011 में जीरो कार बनाती थी, 2011 में जो कंपनी जीरो कार बनाती थी, आज की डेट में उसका वैल्यूएशन अगर मैं बताऊं तो उसका वैल्यूएशन भैया टोयोटा जो सदियों से कार बना रही है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, डायमंड, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जीएम, पीएम, इन सबसे ज्यादा उसका अकेले का है। तो टॉप तीन कंपनियां मिला के अकेले का टर्नओवर है कार मेकिंग कंपनी, जो अभी 5 लाख पीस बनाई है। हमारे 5 लाख पीस की बुकिंग तो गणेश चतुर्थी पे मारुति अटेंडेड किया जाती है। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो 100 100 साल से काम कर रही थी, 8 साल में सबसे वैल्यूएबल मार्केट कंपनी बन गई टेस्ला। तो वहां दिक्कत आई स्पेसएक्स में, रुका नहीं, वहां रुका नहीं। न्यूरालिंक में भी जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं फालतू बातें कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आज की डेट में भी इसका खतरनाक क्रिटिसिज्म है, कोई बात इसकी बात को अभी तक सच मान नहीं रहा है, ये कह रहा है मत मानो, मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूँ, डेमो कर ही रहा हूँ, तुम 5 साल 10 साल बाद देख लेना। तो ये वैसे ही बोलता है कि तुम सोच रहे हो, तुमको जो सोचना है, मेरे को जो करना है मैं वही करूंगा और फिर करके आओ। लेकिन जितना इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसने स्पेसएक्स जो नासा नहीं कर पाया वो उसने कर दिया किताब पढ़ के, जो नासा नहीं कर पाया वो किताब, घर में किताब पढ़ के रॉकेट बना के कर दिया। तो मुझे भरोसा है कि ये तो भैया बना ही देगा 100%। ठीक है, बोरिंग कंपनी, बोरिंग कंपनी क्या हुई सब इसके बारे में बताता हूं मैं। ये कहते ना कि यार ज्यादा जो होते ना, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा ब्रेनी लोग होते हैं उनके, वो बैठे बैठे कंपनियां बना देते हैं। तो 2006 में ट्रैफिक में अटका हुआ था, तो ट्रैफिक में अटके अटके इसने ट्वीट किया, यार मैं तो परेशान हो गया ट्रैफिक में अटके अटके, मैं ना एक ऐसी टनल बनाऊंगा कि जो अंदर से खोदेगी और अंदर से चली जाएगी। इसने 2016 में बैठे बैठे ना मजाक में, अरे यार परेशान हो गए यार, ऐसे कुछ काम हो, अपन नहीं कहते गाड़ी में फंसे फंसे, अरे यार क्या यार ऐसा ऐसा सिस्टम हो यार, गाड़ी उड़ के ही चली जाए, फालतू तो ट्रैफिक में फंसने की जरूरत ही नहीं है। इसके बैठे बैठे ट्रैफिक में फंसे फंसे आया कि यार ऐसा कोई सिस्टम हो कि अपन नीचे से ही चले टनल में, ट्रैफिक का चक्कर ही ना हो। 2017 में कंपनी बना दी, 16 में तो ऐसा, दिसंबर में तो आइडिया आया, महीने भर, महीने डेढ़ महीने के अंदर कंपनी बना दी, द बोरिंग कंपनी। द बोरिंग कंपनी क्या करेगी साहब, द बोरिंग कंपनी बोले ऐसे, ये जो सिटी चल रही है बोले नीचे से एक बोरिंग खोद दूंगा मैं, पूरा ऐसा टनल जाएगा और यहीं से ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंटरनली बना देते हैं। तो बोरिंग कंपनी बना दी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडिया था, इसने बना के जो खुद की कंपनी जो इसकी स्पेसएक्स है उसके प्रीमाइसेस में इसने खोदनी भी चालू कर दी लॉस एंजलिस में। गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने उसको चेक करके अप्रूव भी कर दिया कि हाँ भैया बनाई तो तूने सही है, सारे नियमों का पालन हो रहा है, इसको अपन एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो नाउ इसकी नेक्स्ट कंपनी अब ये क्या प्लान कर रहा है, बोरिंग कंपनी 2017 में बन गई है और अब धीरे 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 मेरे हिसाब से 2025 2025 2030 में आप सुन लेंगे कि नीचे नीचे इसने कर दिया भैया नेटवर्क डेवलप। इसके साथ साथ भाई साहब इसके हाइपर लूप का अगर आपने नाम सुना हो तो हाइपर लूप, इसने कभी हाइपर लूप भी बनाएंगे। अब हाइपर लूप क्या होता है साहब, इसने कभी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कि भैया एक तो इसने तो पहले वो तो क्या ट्रैफिक की समस्या से सिटी के अंदर अंदर ऐसा सिस्टम बन जाए कि ट्रैफिक की दिक्कत ना हो। अब इसने बना हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भाई, कि दिल्ली से मुंबई जाना है भैया ट्रेन क्या ले भाई, फ्लाइट में बैठते हैं 1.5 घंटा लेती है, पर पहले 1 घंटा पहले चेक इन कराना पड़ता है, फिर 1.5 घंटा जाना पड़ता है, फिर चेकआउट होता है, फिर भी 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। ट्रेन से जाते हैं तो यार 18 घंटे लग जाते हैं। ऐसा कुछ बना दे क्या कि जयपुर से मुंबई अगर आपको जाना है तो 18 घंटे की जर्नी 2 घंटे में पूरी हो जाए। तो उसने हाइपर लूप सिस्टम, ऐसा सिस्टम ये बना रहा है जिसकी तैयारियां भाई साहब पूरी चालू हो चुकी है। इसका प्रपोजल सिंपल सा है कि भैया इसका जो प्रपोजल है, इसने कहा प्रपोजल अगर सफल हो गया तो सबसे चीपेस्ट सिस्टम होगा, मतलब जितनी दूरी में जितने कम पैसे और जितने कम समय में लेके जाएगा उतना कोई नहीं ले जा सकता। तो 2011 में इसको आइडिया आ गया था, इसने टेस्ला स्पेसएक्स से कुछ कुछ इंजीनियर लेके इसको काम में लगा दिया था, और इसने अभी इसके डिजाइनिंग के लिए भी कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था 2015 में।
सब बच्चों को बुलाया, डिजाइनर को बुलाया कि भैया बताओ ये पॉड कैसा बनना चाहिए, और उसके बेसिस पे अभी भी इसकी वर्किंग चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो कंपनी है वह ओपन एआई। ओपन एआई क्या कंपनी है? ये बोलता है कि भैया आज की रेट में जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या है कि बड़े लोगों के हाथ में है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के हाथ में एआई है, वो क्या करता है, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है साहब। फेसबुक के हाथ में है, फेसबुक भी भैया इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अमेजन के पास है, गूगल के पास है। ये कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इतनी बड़ी चीज है, किसके लिए पास है, किसके पास है? वो सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास है, सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट के पास है, गवर्नमेंट के पास है। और ये सारे लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं खुद के फेवर में। कंपनी उठाएगी फायदा प्रॉफिट के लिए, गवर्नमेंट उठाएगी जीत के लिए, अपने एजेंडा के लिए। बोले भैया आम आदमी का क्या होगा? ये इनोवेटर आदमी तो है ही भाई साहब, आम आदमी के बारे में इसको सबसे पहले सोचता कि आम आदमी का क्या होगा। तो इसने कहा कि भैया मैं एक कंपनी बना रहा हूँ ओपन एआई, ये एनजीओ बनाया मैंने, ये इसका एनजीओ है कि भैया नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये आर्टिफिशियल एजेंसी पे रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये रिसर्च करेगी। और इसका पर्पस क्या है कि ऐसा आर्किटेक्चर एआई डेवलप करना जो कि एकदम सेफ हो और बेनिफिशियल हो मानव समाज के लिए। क्योंकि हम आज आगे जाके कई बार सुन रहे हैं ना, आपको पता है एक चीज डेवलप, आपने अगर सुना हो, नहीं सुना हो, मशीन लर्निंग करके कॉन्सेप्ट होता है कि कोडर ने, आपने ना जैसे गूगल के इंजीनियर्स थे, उन्होंने कोड बना दिया एलेक्सा के लिए कि ऐसा ऐसा कोड होना चाहिए, एलेक्सा जी ऐसे ऐसे काम करना। अब वो जितने भी डेटा एलेक्सा के पास आ रहे हैं वो मशीन खुद को खुद ही सिखा रही है। मतलब मशीन जब बनी थी तो हमने कुछ कोड बनाए थे कि तुझे ये करना है, तो वो तो उसको करना ही था, पर जैसे जैसे आगे वो करती जा रही है उसको खुद को भी है। तो गूगल और कई जो बड़े बड़े लोग वो कह चुके हैं कि आज की डेट में ये मशीनें क्या कर रही है ना, हमको खुद को भी नहीं पता। हमने शुरुआत में एल्गोरिदम बनाए थे, किसके लिए बनाए थे हमको पता है, पर अब ये एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहा है ना, हम खुद को भी नहीं पता। तो वो जैसे टर्मिनेटर वाली स्टोरी है ना कि आगे जाके मशीनें खुद को इतना सिखा लेगी कि भाई साहब वो मानव समाज पे हावी पड़ेगी। तो ये उस चीज का फेवर करता है, ये कहता है टर्मिनेटर भैया सच्चाई हो सकती है, कल को मशीनें इतना आपस में सीख लेगी, इतना काम कर लेगी कि ह्यूमन की दुश्मन हो जाएगी। तो ये चाहता है कि नहीं, ह्यूमन की दुश्मन ना हो, तो मैं ऐसी ओपन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर व्यक्ति को प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको याद हो तो जैसे अपना जो मिशन बिजनेस फ्रीडम है, जो लोग फ्रीडम न्योर अभी इस ग्रुप में है, अपना फ्रीडम न्योर क्या मिशन है कि जो नॉलेज सिर्फ 1% लोगों के पास है, जो टॉप कॉर्पोरेट के पास है, उनके पास नॉलेज भी है, इकोसिस्टम भी है, सब कुछ है, तो वही सारा फायदा उठा लेते हैं, 99% छोटे बिजनेस क्या करेंगे जी। तो अपन ने क्या बोला कि नहीं भाई साहब, अपन ऐसी कोई चीज बनाते हैं कि 99 को फायदा मिलना चाहिए, कॉमन चीज बनाएंगे, सब तक पहुंचनी चाहिए। इससे इसका विचार एआई के ऊपर है कि भैया एआई बड़े कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के पास नहीं रहे, ये हर बच्चे बच्चे सिटीजन को इसका आइडिया होना चाहिए, ताकि कल को ये गवर्नमेंट और बड़ी कंपनियां हमारे माइंड के साथ खिलवाड़ ना कर सके। लाइफ लेसन नंबर 7 कि भैया डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम ढूंढो और यूनिक सा सॉल्यूशन ले आओ। मार्केट लीडर बनने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसी प्रॉब्लम लेके आओ जो हर व्यक्ति सॉल्यूशन ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रहा है, आप यूनिक सॉल्यूशन लेके आओ, आप हीरो बन जाओगे, आप रॉकस्टार बन जाओगे एनी गिवन डे। और आपके क्या लाइफ लेसन है बताना। अच्छा एक और चीज, आपने आयरन मैन मूवी देखी है? आयरन मैन मूवी देखी है? आयरन मैन का जो कैरेक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, इसी से इंस्पायर्ड है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो आयरन मैन का कैरेक्टर किया है, जो टोनी स्टार्क बना है, टोनी स्टार्क क्या करता है साहब, आप नोटिस करना, ध्यान से देखना, आयरन मैन मूवी देख लो, एवेंजर मूवी देख लो, टोनी स्टार्क रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, टोनी स्टार्क स्पेस ट्रेवल में है। टोनी स्टार्क की जो पहली मूवी थी आयरन मैन, उसमें वो हथियार बनाता था, पर टोनी स्टार्क मूवी 2 में उसने क्या बना, स्पेस शटल्स वगैरह बनाने लग गया है, वो इसी से इंस्पायर्ड है। और वो जो कौन सा एक क्या कह रहा था, कौन सा वो मटेरियल है जिससे वो क्लीन एनर्जी डेवलप कर रहा है, वो भी इसी का आइडिया है। और टोनी स्टार्क आयरन मैन नंबर 2 देखिए, अगर आपने मूवी देखी हो आयरन मैन 2, उस मूवी के सीन में एलन मस्क है, एलन मस्क आयरन मैन जो 2 है उस मूवी में एलन मस्क भी था। ये पूरा जो कैरेक्टर है, टोनी स्टार्क को जब बताया कि भैया आपको एक रोल करना है, टोनी स्टार्क रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बताया कि आपको रोल करना भैया टोनी स्टार्क का, तो बोले टोनी स्टार्क का रोल करना है, तो कैरेक्टर की इंस्पिरेशन लेने जाते हैं ना भाई, कि किससे इंस्पिरेशन ले, कैसा है वो कैरेक्टर, बोले भाई ऐसा।
तो ये जो टोनी स्टार्क बना है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वो इसको देख के बना है। टोनी स्टार्क कैसे बिहेव कर रहा है, इंटेलिजेंट है पर पागल है, बहुत जीनियस है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, पर मस्ती वाला है, मूड वाला है, यूनिक यूनिक चीजें कर रहा है। वो कैरेक्टर इसी से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट जितने भी आयरन मैन मूवी के सीन है जहां पे जार्विस से बैठ के बात कर रहा है, जो जार्विस को बना रहा है, वो पूरी मूवी की शूटिंग भी इसके स्पेसएक्स के ऑफिस में हुई है। स्पेसएक्स के ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर शूटिंग हुई है टोनी स्टार्क की, और टोनी स्टार्क का पूरा कैरेक्टर इसी से है। तो ही इज द रियल लाइफ आयरन मैन। तो अगर आप आयरन मैन के भक्त हो तो भाई साहब एलन मस्क ही आयरन मैन है। ठीक है, इसकी पर्सनल लाइफ में बात करें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पर कुछ चीजें मुझे लगी जो मुझे आपको बतानी चाहिए। 3 बार शादी हुई, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, अमेरिका है, 6 बार भी हो जाए तो। इंटरेस्टिंग बात की थी इसका, जो अभी मई 2020 में 5-6 महीने पहले जो इसका बेटा हुआ है, उसका इसने नाम क्या रखा है सर? इसने अपने बेटे का नाम रखा है XAE A12। बेटे का नाम रखा XAE A12। अब इसको बोलते कैसे हैं ये इसी को पता होगा, इसकी वाइफ को पता होगा, बाकी सारे लोग कंफ्यूज है बोलना कैसे, पर बेटे का नाम इन्होंने XAE A12 रखा है। फिर कैलिफोर्निया का जो लॉ था उसने कहा इलीगल है, क्योंकि नाम के अंदर शब्द अक्षर नहीं आ सकते, नाम के अंदर 12 नहीं लिख सकते, डिजिट नहीं आ सकती, किसी का नाम ये नहीं हो सकता रमेश 16, पृथ्वी 12, राहुल 15, मतलब नाम के अंदर कैरेक्टर नहीं आ सकता। ठीक है, तो नाम बदल दो। तो हमको लगा भैया ये नाम बदल रहा है, अब की बार शायद ढंग का रख दे। इसने नाम बदल के रखा AXCA12, 12 रोमन में लिख दिया। अब ये बच्चे का नाम है इसका, कैलिफोर्निया के रिकॉर्ड में लिखा एलन बस के बच्चे का नाम एक्स, बच्चे का नाम एक्स, बच्चे का सरनेम AEAX11, ये बच्चे का नाम रखा है मेरे भाई ने। तो पागल ऐसे होते हैं। टेस्ला मोटर से इसकी सैलरी है $1 सालाना, सालाना $1 लेता है सैलरी के नाम पे टेस्ला से। एंड फाइनली इसने जो गिविंग प्लेज जो अपने उसने ली है, अपने वॉरेन बफे ने भी ली है, बिल गेट्स ने भी ली है, इसने भी गिविंग प्लेज ली है। इसने कहा है कि मेरी 50% संपत्ति मैं दान करके जाऊंगा। तो जब ये जाएगा तो 56% अपनी संपत्ति दान करके जाएगा। अब इतना महान आदमी है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि टोनी स्टार्क है ये, तो टोनी स्टार्क ने कितनी पागल चीज हरकत थी कि कभी की करके कुछ भी कर देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ये भी कर देता है। तो इसकी कंट्रोवर्सी भी बहुत रही है। अब अगर मैं एलन मस्क की बात करूं, कंट्रोवर्सी की बात नहीं करूं, ये कंट्रोवर्सी किंग है, हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी कंट्रोवर्सी में इसका नाम आता है। इसके बाद जो लेटेस्ट बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक शो पे गया, जो रीगन का शो था, एक जो होता है ना रेडियो पॉडकास्ट था, बहुत जैसे मान लो कौन बनेगा करोड़पति पे चला जाए, और कौन बनेगा करोड़पति पूरी दुनिया देख रही, अमेरिका देख रहा है, और वहां पे इसने वीड लेके वीड गांजा फूंक लिया भाई ने ऑन एयर शो के बीच में, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, गांजा फूंक लिया, वो वीडियो हो गई वायरल। और जिस दिन इसने गांजा फूंका था, आप सोचना कि इतने बड़े आदमी के कांड भी बड़े होते हैं, उस दिन टेस्ला के शेयर 9% टूटे। 9% टूटने का मतलब होता है कि उस दिन टेस्ला की मार्केट वैल्यू 30 से 40 हजार करोड़ कम हो गई थी। एक बार गांजा फूका, 30 से 40 हजार करोड़ मार्केट वैल्यू डाउन। ये इसकी कंट्रोवर्सी में फंसा था, और ये कर लेता, मतलब कभी भी कुछ भी करता है, इसको कोई पछतावा नहीं किसी चीज का। एक इसने ट्वीट किया जिसके खिलाफ, ट्वीट करने से इसके खिलाफ समिति, जैसे अपने सेबी होती है ना, जैसे अपने इंडिया में सेबी होती है, वैसे अमेरिका में होती है SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वो बैठक बिठा ली थी इस पे। इसने ट्वीट कर दिया कि मैं आई एम कंसिडरिंग टेस्ला टेकिंग प्राइवेट एट 420 फंडिंग सिक्योर्ड। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इसने ट्वीट कर दिया 2017 में सिंपल कि भैया अभी टेस्ला की जो कंपनी थी, टेस्ला पब्लिक कंपनी है, तो टेस्ला के शेयर है मार्केट में, आप जैसे आप में से कई अमेरिकन ने टेस्ला के शेयर खरीद रखे हैं, और इसने क्या बोला, मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूं, मतलब मैं क्या करूंगा भैया, स्टॉक मार्केट से डीलिस्टी कर रहा हूं, अब स्टॉक मार्केट से हटा के मैं तो प्राइवेट कर रहा हूं, फंडिंग मिल चुकी है, अब स्टॉक मार्केट से शेयर ही हटा दूंगा मैं इसके, इसके शेयर हटा रहा हूं और प्राइवेट बना रहा हूं इसको। अब आप सोचो कि मार्केट में क्या पैनिक हुआ होगा। एलन मस्क अगर ये कह दे कंपनी का, आज की डेट में अंबानी, मुकेश अंबानी कह दे मैं सोच रहा हूँ रिलायंस के शेयर हटा दूं, रिलायंस के शेयर हटा लेता हूं, इसको प्राइवेट कंपनी कर लेता हूं, तो भाई सब क्या मार्केट में तहलका मचेगा। तो मार्केट में तहलका मच गया।
एसईसी जो वहां की अपने इंडिया में जो सेबी है वहां एसईसी है, एसईसी ने इस पे नोटिस दिया, बैठक बुलाई, आरोप लगाया और बकायदा इस पे 20 मिलियन डॉलर का तो जुर्माना, यानी 150 करोड़ का जुर्माना, 150 करोड़ का जुर्माना इससे लिया, 150 करोड़ का जुर्माना टेस्ला कंपनी से लिया, इसको 3 साल के लिए चेयरमैन पद से हटा दिया, 3 साल के लिए चेयरमैन पद से हटा दिया। भैया कोई चेयरमैन वेयरमैन नहीं है, तेरे बस की नहीं है, सीईओ पद से भी हटा रहे थे पर जैसे तैसे इसने माफी मांग के सीईओ पद तो बचा लिया, बट ये चेयरमैन पद से हटा दिया इसको 3 साल के लिए। कि भैया तो कुछ भी ट्वीट कर देगा यार, तेरे ट्वीट से मार्केट हिल जाता है। एक दिन भाई ने हमारे बैठे बैठे ने, अच्छा इसको इसलिए कहते हैं फूंक के ट्वीट कर देता है, शायद फूंकता होगा और फूंकते फूंकते ट्वीट कर देता होगा। एक इसने फूंकते हुए ट्वीट किया, टेस्ला स्टॉक प्राइस इज टू हाई, खुद के शेयर के बारे में लिख रहा है कि अरे बहुत ज्यादा नहीं हो गए टेस्ला के प्राइस, खुद के प्राइस के बारे में लिख दिया कि टेस्ला के प्राइस शायद बहुत ज्यादा हो गए। मार्केट टूट गया इसके कहते ही, भैया ओनर ही कह रहा है ज्यादा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगी, तो टूट गए शेयर अगले दिन ही। तो इसको एसईसी ने बकायदा नोटिफाई किया हुआ है, इस पे केस वेस लगे हुए हैं और इसको कह रखा है कि भैया कुछ ऐसे मैटर है जिनमें ट्वीट करने से पहले तेरे को पूछना पड़ेगा, तो ये 10 मैटर, बिजनेस मैटर, टेस्ला मैटर, स्टॉक मैटर, फलाना डीम का, बहुत सारी चीजों की लिस्ट दी है, इन मैटर पे तू कभी भी ट्वीट करेगा पूछ के ट्वीट करेगा, प्री अप्रूव करा के ट्वीट करेगा। इससे लाइफ लेसन नंबर 8, पहली बात, आप महान 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 हो सकते हो लेकिन दुनिया आपकी गलती कभी नहीं भूलेगी, कोई कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, आप कितने भी महान व्यक्ति हो जाओ। आप बोला महान व्यक्ति हो तो क्या वीड पी लूंगा, पी के दिखा, अभी शेयर तोड़ते हैं। महान व्यक्ति है तो कुछ भी ट्वीट कर देगा, करके दिखा तेरे को 3 साल चेयरमैन पद से हटाते हैं, करके दिखा दे तेरे को अभी ट्वीट से ही बाधित कर देते हैं। तो धीरे धीरे करते करते आप महान हो, कुछ भी कर जाओगे, ऐसा भी नहीं है भाई साहब। ये लाइफ का लेसन है कि आप महान हो, महान आप अपने कर्मों से हो, कर्म अच्छे करे चलो, महान बने रहो, कर्म बिगड़ेंगे तो कोई दुनिया छोड़ेगी नहीं। आपको ऐसा लग रहा है मैंने जीवन में उखाड़ लिया, मैं नंबर वन हूं, भैया इसको ही नहीं छोड़ा, वर्ल्ड नंबर वन कोई, हम कौन है। और दूसरा जो नेक्स्ट है, इसको मैं कहता हूं कि स्पाइडरमैन मूवी से है ये, कि जितनी आपके पास जब पावर ज्यादा आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। जब आप वर्ल्ड के नंबर वन व्यक्ति हो, जब आप इतनी सक्सेसफुल कंपनी चल रहे हो, तो आपके ऊपर ऐसा नहीं कि पावर बहुत ज्यादा है, पावर तो है ही आपके पास, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है। तो आप अगर आप छोटा सा, आपका छोटा सा भी बिजनेस है, आप कहते हो सर जी इस सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं हूं, तो सर सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो तो इसका मतलब है कि आपके पास पावर है लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। फिर सिटी के छोटे बिजनेसमैन का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, फिर आपके एम्प्लॉय का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, फिर आपकी इंडस्ट्री का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, सारी चीज आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। बट वन मोर थिंग, जो इसने जो चीज थी जो मुझे इसके बारे में बहुत पसंद आई, विच आई लाइक टू मच, जो मुझे इससे बारे में सुन के ये बहुत अच्छा लगा कि यार मुझे, मतलब इसकी 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। पहली, जो इसने टेस्ला ओपन कर रखा है ना कि कोई भी बनाओ, तो वो बड़ा अच्छा लगा। एंड सेकेंड, जब ये वर्ल्ड मोस्ट रिचेस्ट मैन बन गया था, इसने ट्वीट क्या किया था देखना, किसी ने ट्वीट किया एलन मस्क इज नाउ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड 190 बिलियन। एलन मस्क ने ट्वीट किया हाउ स्ट्रेंज, वेल बैक टू वर्क। क्या होता है, अरे नंबर वन बन गए क्या, चलो कोई ना लगो काम पे लगो। तो ये जो मेंटेलिटी है ना भाई साहब, इसी बात का मैं इसी को मैं सल्यूट करता हूं, और यही मेरे को लगता है ये लाइव लेसन टर्म है कि कीप गोइंग भाई, मनी इज नॉट द गोल। एक बेटर विश्व बनाना, एक बेटर समाज बनाना, एक ऐसा माहौल देना जिसमें हर व्यक्ति ग्रो करे, वो इंपॉर्टेंट है, पैसा गोल नहीं है। सोचो किसी ने आपको बताया कि आपके पास 190 बिलियन डॉलर से कितना होता है, 190 बिलियन डॉलर लगभग होता है 14 लाख करोड़। राजस्थान का लास्ट ईयर का बजट था 2 लाख करोड़, राजस्थान सरकार का बजट 2.25 लाख करोड़ था, इसकी संपत्ति 14 लाख करोड़ है, 7 राजस्थान का बजट इसकी जेब में पड़ा है। ये क्या बोलता है, अच्छा चलो कोई ना अपन तो काम पे लगे जी, नो सेलिब्रेशन एट ऑल, यार अब भाई साहब अब पार्टी दो, अब ये करो, हम ये हो गए खुदा गए, कुछ नहीं भाई साहब चलने दो, जीवन है ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसी के साथ सर आज की अपनी केस स्टडी होती है खत्म। अगर आपको लगा कि भैया एलन मस्क के बारे में मैं ऐसी चीजें पता पड़ी जो पहले तो बिल्कुल पता नहीं थी, क्योंकि एलन मस्क पे मैंने यूट्यूब खुद ने देखा रिसर्च के पर्पज से, बहुत सारी वीडियो थी पर उसमें कहना है कि भाई ठीक है वो जन्म कथा बता दी कि ऐसे चालू हुआ, ये किया ये किया, जो रियल उससे सीखना है और जो कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में नहीं होती
वो नहीं थी। तो मैंने कोशिश की कि मैं रिसर्च थोड़ी डीप जाके करूं, ऐसी चीजें निकाल के लाऊं जो आपको पता नहीं है, और उसी चीजें क्या सीख सकते हैं वो निकाल के लेके आऊं। तो चैट बॉक्स में सर आज की पूरी केस स्टडी से आपने क्या क्या सीखा वो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आपको लगा कि ये स्टडी अब तक की बेस्ट केस स्टडी है तो इसको अपने सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यार से, दोस्तों से, सबके साथ शेयर करना अपने अनुभव के साथ, लिंक शेयर करना और नीचे लिखना कि मेरे को इसको केस स्टडी को देख के क्या लर्निंग मिली। ठीक है सर, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ सर। एक बार चैटबॉक्स में क्या था कि जनमानस के लिए अच्छा करने की शक्ति हो तो सफलता जरूर मिलती है। ग्रेट अटल जी, सही बात है, पूरा फोकस पैसे पर नहीं है, प्रोडक्ट को बियॉन्ड इमेजिनेशन पर ले जाना चाहिए। ग्रेट सर, जब प्रोडक्ट आपका बियॉन्ड इमेजिनेशन जाता है, पैसा सर देखो, पैसे के पीछे भागोगे ना तो पैसा आपके आगे आगे भागेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। वो हमारा सर चंचोरदास छाछड़ जो हमारे थे, रणछोड़दास छाछड़ जी, थ्री डेट वाले, कि भैया सफलता के पीछे, कामयाबी के पीछे मत भागो, टैलेंट के पीछे भागो, कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तो पूरा गेम यह है। SpaceX में कई बात का सीख कर टेक से मैं अप्लाई किया। ऑब्वियसली सर, जब आप एक चीज से सीखते हैं तो दूसरे में अप्लाई करोगे। मोर रिस्क मोर ग्रो, हिस्ट्री टेक्स टाइम, बी पेशेंट एंड वर्क हार्ड। सर पेशेंट तो होना पड़ेगा सर। सुबह शाम ऐसे व्यक्ति का कैसा दिन जाता होगा सोचो ना, इस व्यक्ति का दिन कैसा गुजरता होगा कि भाई साहब कल रॉकेट लॉन्च होना है, पता नहीं उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, टेस्ला के मॉडल फेल हो रहे हैं, पैसा खत्म होता जा रहा है, फिर भी अगला बंदा रुक नहीं रहा। सोचो उसी दौरान जब टेस्ला की हालत खराब हो रही है, स्पेस खराब हो रही है, स्पेस सिटी चालू कर दो जी, ओपन AI चालू कर दो जी, हाइपरलूप चालू कर दो जी, बोरिंग कंपनी। लोग मुझे कहते हैं सर टाइम ही नहीं है सर, मैं तो ऑफिस में ही फंसा रहता हूं। तो भाई साहब देख लो, इसकी तरफ देख लो, इसकी तरफ हम देख के क्यों है कि भैया इंसानी लिमिटेशन सिर्फ दिमाग की है, इंसानी लिमिटेशन सिर्फ दिमाग की है। इसलिए जब मैंने बूट कैंप चालू किया है, बूट कैंप का पहला दिन मैंने बिजनेस की बात नहीं की, मैंने बात की थी इंसानी दिमाग की, क्योंकि वो खुल गया तो कुछ भी कर देंगे। तो आपको जैसे जो काफी पुराने लोग हैं उनको पता होगा, हमने बूट कैंप करके एक 12 महीने का सेशन चालू करते हैं, जिसमें 12 महीने वीक ऑन वीक में आपके साथ आपकी कंपनी पे काम करता हूं, मैं और मेरे 10 जनों की टीम आपके साथ काम करते हैं। मैं पहले बैच में भी 20 लोग हैं, तो उसका नाम मैंने दिया है G20 मेरा पर्सनल नाम दिया है, और उसकी फोटो मैं जल्दी और उनकी स्टोरी भी आप साथ शेयर करने वाला हूं। ये G20 मेरे साथ बूट कैंप बैच 1 में आ गए हैं, और इन G20 को मैं श्योर ये करना चाहता हूं कि सर आप G20 की केस स्टडी 2022 में मैं जनता को सुनाने वाला हूं, और इस केस स्टडी से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग वो केस स्टडी होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूं। ठीक है सर, एक अच्छी और लंबी पार्टनरशिप के लिए कुछ बताइएगा राहुल जी। सर उस पर भी अपन सेशन लेंगे, अभी एक बार अभी इस पर फोकस करते हैं। मुन्ना भाई लगे रहो, ग्रेट, मंगल पे आके ऐसा लग रहा है, ओके, कीप गोइंग इज द ग्रेट फिट ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सबसे पहले सर आपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये लर्निंग आप क्या सीखे विद लर्निंग इसको शेयर करना। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।